हेलो बच्चों, वेरी गुड इवनिंग। आज तो मैं एकदम टाइम पे आ गया। 5:30 का मतलब 5:30। और अब डेली बेसिस पे ऐसे ही हम करेंगे, ठीक है? एकदम राइट टाइम पे हम आएंगे और आपको भी एकदम राइट टाइम पे पहुंचना है। वेरी गुड इवनिंग बच्चों। रूपाली, महिमा, आदित्य, फातिमा, शमरीन, अंजू, अल्पिका, आयुष, प्रियंका, यशु, गरिमा, गौरव, भास्कर, अभिषेक, प्रशांत, अरबाज, प्रीति, प्रियंका, रियाज, जिज्ञासा, जेनी, सोनल, वेरी गुड इवनिंग बच्चों। बेटा मेंटी होगा आज, ठीक है? मेंटी लास्ट में हम करेंगे। पहले हम यहाँ पर क्या क्या टॉपिक पढ़ने वाले हैं इसके बारे में बात कर लेते हैं ना। देखिए कई सारे टॉपिक बेटा आज हम डिस्कस करेंगे। एनसीईआरटी में जितने भी नाम में सी लगा होगा, है ना, सी एनिमल, उनके बारे में बेटा हम डिस्कस करेंगे, है ना। जितने भी सी एनिमल हैं उनके बारे में आज हम बात करेंगे यहाँ पर। जैसे सी एनिमोन हो गया, है ना, तो ऐसे ही जितने सी एनिमोन हो गया, तो जितने भी नाम में सी लगा है उन सारे नाम को यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। फिर फॉल्स वर्म और ट्रू वर्म के बारे में हम बात करेंगे। ज्यादातर बच्चों को फॉल्स वर्म और ट्रू वर्म के बारे में नहीं पता है। फ्लैट वर्म, राउंड वर्म, सेगमेंटेड वर्म, ऐसे बहुत सारे नाम होते हैं, तो हम यहाँ पर ट्रू और फॉल्स वर्म को डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हम यहाँ पर कई सारे टर्म के बारे में बात करेंगे जो एनसीईआरटी के बियॉन्ड है। एनसीईआरटी वाले टर्म तो हमने पहले ही बताए थे बट आपको एनसीईआरटी के बियॉन्ड जो टर्म है उनको हम डिस्कस करेंगे। ब्रांचेस, बायोलॉजी की कई सारी ब्रांचेस के बारे में हम बात करेंगे जो कि आपसे नीट में पूछी जा सकती है। इसके अलावा फादर ऑफ बायोलॉजी, थ्योरीज ऑफ बायोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी में एक टॉपिक बेटा हम डिस्कस करने वाले हैं। प्लांट फिजियोलॉजी में जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, यहाँ पर देख सकते हैं, बैलेंस शीट ऑफ ग्लाइकोलिसिस एंड क्रेब साइकिल। ये काफी बच्चे कह रहे थे सर इस टॉपिक को करवाने के लिए, है ना। तो बैलेंस शीट ऑफ ग्लाइकोलिसिस एंड क्रेब साइकिल की क्रेब साइकिल में कितनी एटीपी बनती है, कहाँ पर बनती है ना बेटी बेटा। चलिए, हाँ बेटा, पीडीएफ मिलेगी बिल्कुल। इस वीडियो की पीडीएफ बेटा आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएगी, व्हाट्सएप ग्रुप पे अगर आप जुड़े हुए, या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगी, है ना। काफी कुछ सरप्राइजेस हैं आपके लिए, है ना। तो बैलेंस शीट आज हम देखेंगे ग्लाइकोलिसिस और क्रेब साइकिल की। 38 ATP जो बनती है टोटल, ये टोटल 38 ATP किस तरीके से बनती है, इस पूरे टॉपिक को आज हम डिस्कस करेंगे। 38 ATP का फॉर्मेशन कैसे होता है, किस स्टेप पे कितनी ATP बनती है, इसमें काफी बच्चों को कंफ्यूजन होता है और ज्यादातर बच्चों का जो आंसर तुक्के से कभी कभी सही हो जाता है और कभी कभी गलत हो जाता है। मेंटी बेटा लास्ट में हम करेंगे, देखिए लिखा हुआ है, मेंटी क्विज हम करेंगे सबसे आखिर में, है ना। पहले हम लाइव सेशन डिस्कस करेंगे, इसमें जितने टॉपिक आपको दिए गए सारे टॉपिक हम करेंगे और उसके बाद लास्ट में हम मेंटी को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देखिए, ऑल सी एनिमल, फॉल्स वर्म एंड ट्रू वर्म, ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, मैं थोड़ा थोड़ा करके आपको बताऊंगा, 10 ब्रांच आज बताऊंगा। फादर ऑफ डिफरेंट ब्रांचेस, डिफरेंट ब्रांचेस के फादर हम डिस्कस करेंगे। थ्योरीज एंड कॉन्सेप्ट ऑफ बायोलॉजी, 10 पॉइंट इसके डिस्कस करेंगे। टर्म क्वाइंड बाय, 10 पॉइंट इसके हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन ऑफ ह्यूमन फिजियोलॉजी, 10 या 15-20 क्वेश्चन इसके हम कर लेंगे, टाइम पे डिपेंड करेगा। आज हमें थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा क्योंकि ये नया कॉन्सेप्ट है बेटा आज से जो हम अप्लाई कर रहे हैं। आप जानते हैं कि आज से आपकी जो क्लासेस हैं उनकी, हर टीचर की क्लास की एक टाइमिंग कर दी गई है, ड्यूरेशन को बढ़ा के फ्रीक्वेंसी को कम कर दिया गया है। तो अब अभी तक मेरी 2 क्लासेस हुआ करती थी बेटा, अब एक ही क्लास यहाँ पर होगी और ये क्लास 2 घंटे की, 2.25 घंटे की, 1.5 घंटे की, 2.5 घंटे की डिपेंड करता है ना। तो इस आज की क्लास में स्पेशल सरप्राइज सेशन में ये सारी बातें हम करेंगे यहाँ पर। और लास्ट में बायोटेक का जो टॉपिक चल रहा था बेटा, उस बायोटेक के पार्ट 2 के 50 क्वेश्चन की मेंटी भी हम करेंगे। तो सब कुछ आपको मिलेगा 2-2.5 घंटे में, आप सब कुछ आपको मिलेगा जो चीजें आप जानना चाहते हैं, एनसीईआरटी, एनसीईआरटी के बाहर की चीजें, मेंटी क्विज, लाइव सेशन, लाइव क्वेश्चन, मेंटी क्वेश्चन, जितना कुछ आप जानना चाहते हैं सब कुछ हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो जल्दी से सेशन को लाइक करो जल्दी से, और उसके अलावा अपने फ्रेंड्स को इनवाइट करो इस सेशन के लिए जल्दी से। हाँ अच्छा, कोई आते आते डिसलाइक कर देता है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ, एक सजेशन वैभव देना चाहते हैं, बिल्कुल बेटा सजेशन आप दे सकते हैं, ठीक है। और टाइम का खास तौर से आप ध्यान रखिएगा क्योंकि मैं टाइम का बहुत ही पाबंद हूं। 5:30 पे मैंने बोला था, 5:30 में मैं आ गया, ठीक है। अच्छा
डिसलाइक करने वाले जेई का है। अच्छा हाँ, हो सकता है नीट, उसको ये कहाँ समझ में आ रहा होगा कि ये क्या होता है, फॉल्स वर्म ट्रू वर्म क्या होता है ना। चलिए हाँ, कुछ लोग डिसलाइक करने आते, क्या किया जाए, ऐसे लोग होते हैं। लेकिन वही कहते हैं ना कि बदनाम हुए तो क्या नाम नहीं हुआ, तो आया तो व्यूज तो बढ़ा ही रहा है ना चाचा लोग हैं। अच्छा पीहू करी चाचा लोग हैं। बायोटेक का बेटा क्रैश कोर्स आज अपलोड हो जाएगा, कल एक पार्ट अपलोड हो गया था है ना। अब जो बायोटेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन है उसका सेकेंड पार्ट आज अपलोड हो जाएगा। ओके बच्चों, तो जल्दी से सेशन को लाइक करिए, फिर हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जल्दी से सेशन को लाइक करिए, फिर हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर काफी सारी चीजें आपके लिए हैं यहाँ पर। सूरज कह रहे हैं सर आपकी डॉटर का नाम क्या है। बेटा रूही नाम है। चलिए स्टार्ट करते बेटा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले बेटा हम यहाँ पर बात करेंगे सी एनिमल के बारे में, है ना। तो जितने भी सी एनिमल हैं एनसीईआरटी और एनसीईआरटी के बाहर, सभी सी एनिमल को यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे, है ना। जितने भी सी एनिमल हैं उन सभी सी एनिमल को बेटा हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आपसे पूछते रहूंगा, जैसे हम पहले का तरीका हमारा था वही तरीका हम यहाँ पर फॉलो करेंगे। क्लियर बेटा? तो चलिए बताइएगा जल्दी से। सबसे पहले आप बताइएगा सी एनिमोन, सी एनिमोन का आपको साइंटिफिक नेम बताना है, सी एनिमोन का साइंटिफिक नेम आपको बताना है, और अगर आप चाहें तो साथ में फाइलम भी बता सकते हैं। ठीक है, सी एनिमोन का साइंटिफिक नेम आपको बताना है और फाइलम अगर आप चाहें तो साथ में बता सकते हैं। सी एनिमोन बेटा ऑरिलिया नहीं होता है, रूपाली ने सही आंसर किया है, सी एनिमोन इज एडेम्शिया। सी एनिमोन की बेटा अगर हम बात करते हैं तो सी एनिमोन, देखिए इसके नाम में सी लगा हुआ है, तो सी एनिमोन ये एडेम्शिया हो जाएगा और फाइलम इसका निडेरिया हो जाएगा। निडेरिया को आप सिलेंट्रेटा के नाम से भी जानते हैं, निडेरिया को आप सिलेंट्रेटा के नाम से भी जानते हैं। दूसरा पॉइंट बताइएगा सी पेन, क्या नाम आया सी पेन, जल्दी से बताएंगे, एनसीईआरटी में दिया गया है। सी पेन का साइंटिफिक नेम बताएंगे और फाइलम आप चाहें तो साथ में मेंशन कर सकते हैं। जल्दी से आंसर करेंगे, जल्दी से सी पेन क्या है। यस अंजलि, वेरी गुड। पिनेटुला, जो पिनेटुला है इसे कॉमनली सी पेन कहा जाता है। देखिए नाम में भी पेन आ रहा है, पिनेटुला के नाम में पेन आ रहा है, यहां से आप पहचान सकते हो। और फाइलम क्या है बेटा, इसका फाइलम भी निडेरिया या सिलेंट्रेटा है। चलिए फिर बताइएगा अगला सी फैन, अब की बार मैंने क्या पूछा है सी फैन के बारे में, तो आप बताएंगे सी फैन क्या होता है। बहुत आसान, सब एनसीईआरटी से ही ज्यादातर लिए गए हैं। सी फैन विकास वर्मा, वेरी गुड बेटा, दैट इज गॉर्गोनिया। जो गॉर्गोनिया है इसे सी फैन के नाम से जाना जाता है, गॉर्गोनिया इज द सी फैन, है ना। ये सी फैन हो जाएगा गॉर्गोनिया और इसका फाइलम भी निडेरिया है। तीनों अभी जो एग्जाम्पल आपने पढ़े वो निडेरिया से बिलोंग करते हैं। चलिए फिर बताइएगा अगला एग्जाम्पल है बेटा सी वॉलनट, किस फाइलम से बिलोंग करते हैं। सी वॉलनट समुद्री अखरोट जिन्हें कहा जाता है, सी वॉलनट किस फाइलम से बिलोंग करते हैं। जल्दी से आंसर करेंगे, जल्दी से आंसर करेंगे, सी वॉलनट किस फाइलम से बिलोंग करते हैं। आकांक्षा, वेरी गुड बेटा, जो सी वॉलनट होते हैं बेटा ये टीनोफोरा फाइलम से बिलोंग करते हैं। टीनोफोरा को कॉमनली सी वॉलनट कहा जाता है या फिर इन्हें कॉम्बजेलीज कहा जाता है। तो सी वॉलनट या कॉम्बजेली हम किसे कहते हैं, टीनोफोरा के मेंबर को सी वॉलनट या कॉम्बजेली कहा जाता है। अब बताइएगा सी हेयर किसे कहते हैं, सी हेयर HAR बेटा HAR, ठीक सी हेयर, जल्दी से बताइएगा, नहीं पता तो आप याद करेंगे। ठीक है, सी हेयर किसे कहते हैं। यश अनमोल ने सही आंसर किया, एप्लाइशिया। एप्लाइशिया की अगर हम बात करें इसे सी हेयर कहा जाता है, समुद्री खरगोश या समुद्री खरहा कहा जाता है। एप्लाइशिया इज द सी हेयर और इसका फाइलम क्या है,
मोलस्का इसका फाइलम हो जाएगा। क्लियर बेटा, कुछ समझ पा रहे हैं आप? और छोटे छोटे टॉपिक हम 5-5 मिनट के, 10-10 मिनट के इसी तरह के टॉपिक यहां पर डिस्कस करेंगे। क्लियर। चलिए अगला बताइएगा, सी अर्चिन का साइंटिफिक नेम बताइए। सी अर्चिन क्या है? गौरव भास्कर, वेरी गुड। इकाइनस, जो इकाइनस होता बेटा इसे सी अर्चिन के नाम से जाना जाता है, और इसका फाइलम क्या है? इकाइनोडर्मेटा इसका फाइलम हो जाएगा। इकाइनोडर्मेटा एनसीईआरटी या एनसीईआरटी के बाहर जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं सारे क्वेश्चन यहां पर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए फिर बताइएगा, सी लिली, समुद्री लिली बेटा आपसे पूछा गया है। समुद्री कुमुदनी कहा जाता है, लिली तो आप जानते हैं, लिलियेसी का मेंबर, लेकिन वो तो फ्लावर है। अब ये सी लिली अलग है, लिली अलग है, सी लिली अलग है, एली लिली अलग है। एली लिली एक अमेरिकन कंपनी है, ये सी लिली है। यस गौरव, वेरी गुड बेटा। आयुष, यस एंटीडॉन, एंटीडॉन को कहा जाता सी लिली, और इसका फाइलम क्या है? इकाइनोडर्मेटा इसका फाइलम है। तो एंटीडॉन सी लिली है, इकाइनोडर्मेटा इसका फाइलम। फिर बताइएगा, सी ककंबर क्या है? समुद्री खीरा, बहुत सारे समुद्री अखरोट हैं, समुद्री खीरे की बात कर रहे हैं, जल्दी से बताएंगे समुद्री खीरा कौन है? यस दैट इज संदीप वर्मा, इन्होंने बताया है कुकुमेरिया, इसे कहते हैं सी ककंबर। समुद्री खीरा फाइलम एक बार फिर से हो गया, इकाइनोडर्मेटा। टोटल 10 पॉइंट हमारे पास है, 8 पॉइंट हम डिस्कस कर चुके हैं। क्लियर बेटा, तो चलिए अगला पॉइंट बताइएगा, सी हॉर्स, समुद्री घोड़ा, सी हॉर्स किसे कहते हैं? जल्दी से बताएंगे सी हॉर्स किसे कहते हैं, और अगर फाइलम बता पाए तो और भी अच्छी बात है। सी हॉर्स हिप्पोकैम्पस, वेरी गुड। गरिमा ने बताया है कि जो सी हॉर्स होता है समुद्री घोड़ा, ये हिप्पोकैम्पस इसका साइंटिफिक नेम है, फाइलम कॉर्डेटा से बिलोंग करता है। सी हॉर्स हिप्पोकैम्पस कहा जाता है। और एक सी काऊ भी आप पढ़ते हैं, समुद्री गाय, तो सी काऊ बताएंगे, सी काऊ समुद्री गाय क्या है? समुद्री गाय का साइंटिफिक नेम बताना है, समुद्री गाय का साइंटिफिक नेम आपको बताना है। सी काऊ एक मैमल है और इसका साइंटिफिक नेम देखते हैं कौन बता पाता है बेटा। स्टीलर सी काऊ अलग है, इसका नाम कोई नहीं बता रहा है, इसका नाम कोई नहीं बता रहा है। सी अर्चिन बेटा करा दिया वह, वो आप देर में आए होंगे शायद। सी काऊ चलिए कोई नहीं बता पाया, दिस इज हेलिकोर, हेलिकोर इज सी काऊ, और इसका फाइलम क्या है? कॉर्डेटा। क्लास की बात करें तो मैमिलिया क्लास हो जाएगा। अच्छा, सी काऊ का साइंटिफिक नेम तो हेलिकोर है, क्या बता सकते हैं काऊ का साइंटिफिक नेम क्या होता है बेटा? क्या काऊ का साइंटिफिक नेम आप बता सकते हैं? गाय जो हमारे आस पड़ोस में पाई जाती है, क्या उसका साइंटिफिक नेम आप बता सकते हैं? सी काऊ तो आप नहीं बता पाए। गौरव कह रहे रोजा इंडिका बेटा, वो तो रोज होता है। बॉस इंडिकस है ना, बॉस इंडिकस या सगुन, वेरी गुड बेटा। जो गाय है उसका साइंटिफिक नेम है बॉस इंडिकस, बॉस इंडिकस बेटा। जो एनटीए इस समय टेस्ट करा रहा है उस टेस्ट को कंप्लीटली मैं इस समय अपलोड कर रहा हूं। कल एक टेस्ट मैंने एनटीए का 7 वाला अपलोड किया था, आज मैं टेस्ट नंबर 8 अपलोड करूंगा, अभी थोड़ी देर पहले मैंने रिकॉर्ड कर दिया उसे। ठीक है, तो उसको जरूर देखिएगा, उससे बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे, क्योंकि मैं चारों ऑप्शन आपको बता रहा हूं। तो किन किन बच्चों ने कल वाला क्रैश कोर्स देखा था और साथ में जो मैंने एनटीए का पेपर अपलोड किया था उसे देखा था, ये देखते रहेंगे तो इससे आपका बहुत फायदा होगा। देखिए बॉस इंडिकस ज्यादातर बच्चे नहीं जान रहे, लेकिन ये आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है बेटा, पिछले जो 6 हुए वो भी मैं करवा दूंगा आपको। ठीक, अभी हम डेली बेसिस पे एनटीए जो टेस्ट कर रहा है उन टेस्ट को यहां पर हम डिस्कस करते हुए चलेंगे, और उसमें 15-20-25 क्वेश्चन ऐसे जो एनसीईआरटी के बाहर से हैं। वैसे एनटीए पे आपकी बात हुई होगी तो कह रहे होंगे परेशान होने की जरूरत नहीं है, एनसीईआरटी से ही पेपर आएगा, लेकिन आपको तैयार रहना है ना। मान लीजिए अगर बाहर से पूछे तो उसके लिए आप तैयारी करते रहेंगे। ठीक है, तो आप सही तरीके से, हाँ सी पोटैटो, सी पोटैटो, हाँ एक बच्चे ने कहा सी पोटैटो बेटा, सी पोटैटो किसे कहते हैं? सी पोटैटो किसे कहा जाता है? चलिए जल्दी से बताइए सी पोटैटो। हाँ कई सारे बच्चों की बात हुई थी, देखिए आयत कह रहे कि इनकी बात हुई थी, कई बच्चों ने मुझे व्हाट्सएप भी किया था। यस सांची, वेरी गुड। हर्ड मानिया बेटा, एक एनिमल है जिसका नाम है हर्ड मानिया, और हर्ड मानिया क्या है बेटा? इसको सी पोटैटो कहा जाता है, तो ये भी आप याद कर लो। समुद्री आलू कहा जाता है इसे, हर्डमानिया को, है ना, सी पोटैटो। क्या बता सकते हैं हर्डमानिया का फाइलम क्या है? जल्दी से गलती मत करिएगा, हर्डमानिया का फाइलम आपको बताना है, जल्दी से आंसर करिएगा।
फाइलम मैंने पूछा है, ध्यान से करिएगा, इसीलिए मैं कह रहा हूं। ठीक है, अंजू ने सही आंसर किया है, कृष्ण ने गलत कर दिया। बेटा यूरोकॉर्डेटा एक सब फाइलम है, मैंने फाइलम पूछा है तो फाइलम आपको क्या बताना, कॉर्डेटा। ज्यादा होशियारी करोगे तो गलत होगा। फाइलम कॉर्डेटा है, यूरोकॉर्डेटा या ट्यूनिकेटा सब फाइलम है। क्या बात समझ में आई बेटा? इसका फाइलम कॉर्डेटा है। हर्डमानिया का एनसीईआरटी ने आपको नहीं दिया है, लेकिन आप कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो बात हो गए सी एनिमल। अब फॉल्स वर्म। फॉल्स वर्म पहले ये जान ले किसे कहा जाता है, फॉल्स वर्म किसे कहते हैं पहले ये हम जान लें यहां पर। ठीक है, तो फॉल्स वर्म के लिए बेटा सबसे पहले ये चीज जानना जरूरी है कि एस्क हेलमिंथ, ठीक ध्यान दीजिएगा, एस्क हेलमिंथ के मेंबर को छोड़कर, एस्क हेलमिंथ के मेंबर को छोड़कर अगर कहीं पर भी वर्म आता है तो वो फॉल्स वर्म होगा। एस्क हेलमिंथ के जो मेंबर होते हैं उन्हें ट्रू वर्म कहा जाता है, और एस खेलमिंथ को कॉमनली कहते हैं क्या, राउंड वर्म, है ना। एस खेलमिंथ या निमेटोडा को राउंड वर्म कहा जाता है। तो आप ये कह सकते हो कि राउंड वर्म ट्रू वर्म होते हैं, और राउंड वर्म के अलावा जितने भी वर्म होते हैं वो सब क्या होते हैं, फॉल्स वर्म होते हैं। ठीक है, राउंड वर्म के अलावा बाकी सारे वर्म फॉल्स वर्म होते हैं। तो चलिए बताइएगा आप जरा, टेप वर्म आपको बताना है ट्रू वर्म है या फॉल्स वर्म, और इसका साइंटिफिक नेम भी बताइएगा। टेप वर्म मैंने आपको बताया, टेप वर्म आपको बताना है ट्रू है या फॉल्स है, और इसका जूलॉजिकल नेम आप बताएंगे, साइंटिफिक नेम बताएंगे जल्दी से। एजाज, वेरी गुड बेटा। टेप वर्म फॉल्स होता है, फेशियोला नहीं है बेटा। टेप वर्म का साइंटिफिक नेम भी बताइएगा। टेप वर्म फॉल्स वर्म होता है, और टीनिया है बेटा, ये टीनिया है ना। तो टेप वर्म टीनिया है और ये फॉल्स वर्म है, प्लेटी हेलमिंथ से बिलोंग करता है। इसका जो फाइलम है बेटा प्लेटी हेलमिंथ है, मैंने अभी क्या सिखाया, ट्रू वर्म उन्हें कहा जाएगा जो एस्क हेलमिंथ फाइलम से बिलोंग करते हैं। तो टीनिया बेटा आप अगर देखेंगे तो टीनिया किससे बिलोंग करता है, प्लेटी हेलमिंथ से बिलोंग करता है, ये टेप वर्म के नाम से जाना जाता है, ये फॉल्स वर्म हो गया। फिर बताइए, अगर हम बात करते हैं प्लेनेरिया के बारे में, तो प्लेनेरिया ट्रू वर्म है या फॉल्स, जल्दी से बताएंगे, प्लेनेरिया ट्रू है या फॉल्स है। बेटा एस खेलमिन के मेंबर ट्रू होते हैं, बाकी सब फॉल्स हो जाएंगे। तो प्लेनेरिया भी एक फ्लैट वर्म का एग्जाम्पल है, और ये भी क्या है, फॉल्स वर्म हो जाएगा। प्लेटी हेलमिन का ये भी मेंबर है, तो प्लेटी हेलमिन का मेंबर हो एस्क हेलमिंथ फाइलम के अलावा किसी भी फाइलम का अगर मेंबर है तो फॉल्स वर्म ही होगा। क्लियर बेटा, क्या क्लियर है ये बात? चलिए फिर बताइएगा, अर्थवर्म। अर्थवर्म का साइंटिफिक नेम बताइए, और बताइए ट्रू है या फॉल्स है, जल्दी से करिए। अर्थवर्म, हाँ, प्लेनेरिया में ट्रू रीजनरेशन पाया जाता है, हाई रीजनरेशन कैपेसिटी होती है। अर्थवर्म का साइंटिफिक नेम शिवानी ने बताया है, और ये भी बेटा फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि फेरिटिमा, अर्थवर्म का साइंटिफिक नेम फेरिटिमा होता है, और ये एनिलिडा फाइलम से बिलोंग करता है। और मैंने क्या कहा, एस्क हेलमिंथ फाइलम के अलावा किसी भी फाइलम का वर्म क्या कहलाएगा, फॉल्स वर्म कहलाएगा। क्लियर बेटा, चलिए आगे बताइएगा, सिल्क वर्म। सिल्क वर्म साइंटिफिक नेम बताइए, और बताइए ट्रू है या फॉल्स, जल्दी से आंसर करिएगा। सिल्क वर्म ट्रू फॉल्स आपको बताना है, साइंटिफिक नेम बताना है। ठीक है, दैट इज बॉम्बिक्स। वेरी गुड, एपिस इंडिका नहीं बेटा, ये है बॉम्बिक्स सिम्सिका। वेरी गुड बेटा, जो सिल्क वर्म है, रेशम का कीड़ा इसे कहते हैं बेटा, ये बॉम्बिक्स है, और ये एनसीईआरटी में आपको दिया भी गया है, आर्थ्रोपोडा फाइलम का मेंबर है, तो फॉल्स ही हो जाएगा। अब बताइए सिप वर्म, ध्यान दीजिएगा, सिप वर्म, SHIP, सिप वर्म, इसका साइंटिफिक नेम अगर आप बता सकते हैं ट्रू है या फॉल्स है आप बता सकते हैं, तो सिप वर्म के बारे में बताइए। सिल्क तो हो गया, अब सिप वर्म क्या है, जल्दी से आंसर करिएगा। पीडीएफ बेटा आपको मिल जाएगी, सिप वर्म आप जल्दी से बताइए ना। ये तो सभी लोग बता रहे हैं फॉल्स है, लेकिन इसका नाम कोई नहीं बता रहा है। नाम कौन बताएगा सिप वर्म का, कोई भी नहीं बता पा रहा है। यस शिवम ने बताया, यस टेरिडो। टेरिडो जो होता है बेटा सिप वर्म, टेरिडो को कहा जाता है, मोलस्का फाइलम से बिलोंग करता है, और एस खेलमिन के अलावा कोई भी अगर मेंबर होगा तो वो फॉल्स से होगा। अब आते हैं ट्रू वर्म की बात करते हैं। तो ट्रू वर्म बेटा मैंने आपको क्या सिखाया, ट्रू वर्म उन्हें कहते हैं जो राउंड वर्म से बिलोंग करते हैं। राउंड वर्म किसे कहते हैं, एस्क हेलमिंथ या निमेटोडा के जो मेंबर होते हैं, निमेट हेलमिंथ भी कहा जाता है, तो
तो जो राउंड वर्म होते हैं बेटा, ये ट्रू वर्म के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। तो चलिए आप बताइएगा, कॉमन राउंड वर्म किसे कहते हैं? कॉमन राउंड वर्म किसे कहा जाता है? जल्दी से आंसर करिएगा, कॉमन राउंड वर्म किसे कहा जाता है? जल्दी से बताएंगे, ट्रू वर्म राउंड वर्म होते हैं, जल्दी से आंसर करेंगे। यस, कॉमन राउंड वर्म होता है बेटा एस्केरिस। एस्केरिस को कॉमन राउंड वर्म के नाम से जाना जाता है। एस्केरिस इज द कॉमन राउंड वर्म, एस खेलमिंथ का मेंबर है, तो ट्रू वर्म हो जाएगा बेटा। क्लियर है? क्या बात आपको समझ में आ रही है जो ये मैं आपको बता रहा हूं? क्या बात आप समझ पा रहे हैं? जल्दी से मुझे बताइए क्या बात आप समझ पा रहे हैं, जल्दी से स्माइलीज भेजिए, मुझे पता चले कि आपको बात समझ में आ रही है। चलिए फिर बताइएगा, फाइलेरियल वर्म साइंटिफिक नेम बताइएगा, फाइलेरियल वर्म का साइंटिफिक नेम जल्दी से बताएंगे। फाइलेरियल वर्म, फाइलेरिया नाम की डिजीज होती है, साइंटिफिक नेम बताइएगा। और यस, उचरेरिया, काजल ने बताया है उचरेरिया बैंक्रॉफ्टा, ये है बेटा फाइलेरियल वर्म, और ये भी एस्केलमिंथ का मेंबर है, तो ट्रू वर्म ही होगा। तो फाइलेरियल वर्म ट्रू वर्म है। अब बताइएगा हुक वर्म, साइंटिफिक नेम बताइएगा, हुक वर्म ट्रू है या फॉल्स, और साइंटिफिक नेम बताइए। हुक वर्म आपने पढ़ा होगा, एनसीईआरटी में तो नहीं दिया गया खैर, लेकिन आपने पढ़ा होगा। यस, भवन ने आंसर बताया है, दैट इज एंकाइलोस्टोमा ड्यूओडेनल, ये है हुक वर्म बेटा, एस्केलमिंथ का मेंबर है। तो एक बार जल्दी से देखिएगा यहाँ पर कौन कौन से ट्रू वर्म है और कौन कौन से फॉल्स वर्म है, एक बार मैं फिर से आपको रिवाइज करवा देता हूं यहाँ पर, ठीक है। देखिएगा, फॉल्स वर्म में टेप वर्म आ जाएगा, फ्लैट वर्म आ जाएगा, अर्थ वर्म आ जाएगा, सिल्क वर्म आ जाएगा, सिप वर्म आ जाएगा, और ट्रू वर्म में आ जाएंगे जैसे कॉमन राउंड वर्म, फाइलेरियल वर्म, हुक वर्म आ जाएंगे। क्लियर? अब बात करते हैं बेटा कुछ टर्म के बारे में, कुछ ऐसे टर्म जो आपसे एनटीए इस समय पूछ रहा है अपने टेस्ट में, जो एनसीईआरटी में आपको नहीं दिए गए हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। शुभ कह रहे सर चुन्ना, हाँ चुन्ना भी ट्रू वर्म होता है, क्योंकि बेटा ये एस खेलमिन से बिलोंग करता है। चुन्ना का साइंटिफिक नेम आप जानते क्या होता है? क्या चुन्ना के बारे में आप जानते हैं? पिन वर्म ऐसे इसे कहा जाता है, लेकिन गांव में कहते हैं चुन्ना बहुत काट रहे हैं, तो कुछ लोगों को यहां भी चुन्ने बहुत काट रहे हैं। चुन्ना का नाम यस इंट्रोबियस वर्मिकुलरिस कहा जाता है। चुन्ना है बेटा इंट्रोबियस वर्मिकुलरिस। पिन वर्म या सीट वर्म कहा जाता है, यस सीट वर्म भी कहते हैं इसे, पिन वर्म या सीट वर्म कहते हैं। यस यशो आरुषि, वेरी गुड बेटा पीहू, हाँ बिल्कुल एंट्रोबियस वर्मिकुलरिस कहते हैं इसे। चलिए अब बताइएगा, अब मेन तो अब शुरू होगा यहां पर। सबसे पहला टर्म है इकोसिस्टम, या एनसीईआरटी में नहीं दिया गया, लेकिन आप बता सकते हैं क्योंकि आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व किए, मैम ने 10-12 साल के क्वेश्चन आपको करवा दिए हैं, ठीक है। तो चलिए जल्दी जल्दी बताइएगा इकोसिस्टम टर्म। गौरव वेरी गुड, टेंशले के द्वारा, एजी टेंशले के द्वारा इकोसिस्टम टर्म दिया गया था, तो ये याद करेंगे एजी टेंशले। अगला पॉइंट बताइएगा बायोसिनोसिस टर्म किसने दिया था? टर्म बायोसिनोसिस वाज गिवन बाय, जल्दी से आंसर करेंगे, जल्दी से आंसर करेंगे, काफी चीजें हमें कवर करनी है इस 2 घंटे की ड्यूरेशन में। यस, कई सारे बच्चों ने आंसर कर दिया है, गरिमा ने आंसर किया कार्ल मोबियस, बायोसिनोसिस टर्म कार्ल मोबियस नाम के साइंटिस्ट के द्वारा। बेटा जो मैं करा रहा हूं ये सब प्रीवियस ईयर में कभी ना कभी आपसे पूछा जा चुका है, तो हम एनसीईआरटी और एनसीईआरटी के बाहर दोनों चीजों को कवर करेंगे, ठीक है। चलिए फिर बताइएगा प्रोटिस्टा टर्म किसने दिया था? प्रोटिस्टा टर्म किसने दिया, जल्दी से बताइएगा। प्रोटिस्टा तो आप पढ़ते हैं, यूनिसेलुलर यूकैरियोट को रखा गया, प्रोटिस्टा टर्म किसने दिया? गौरव वेरी गुड, संदीप अर्नेस्ट हेकल ने दिया था। अब बताइए मोनेरा टर्म किसने दिया? प्रोटिस्टा तो आपने बता दिया अर्नेस्ट हेकल के द्वारा दिया गया था, मोनेरा टर्म किसके द्वारा दिया गया, जल्दी से आंसर करिएगा। अब ज्यादातर बच्चे, गौरव ने कोपलैंड बताया, अखिलेश ने कोपलैंड बताया, एकदम गलत है बेटा, मोनेरा और प्रोटिस्टा दोनों ही टर्म अर्नेस्ट हेकल के द्वारा दिए गए थे। मोनेरा और प्रोटिस्टा दोनों टर्म अर्नेस्ट हेकल ने दिए थे। हाँ, मोनेरा किंगडम को प्रपोज जरूर कोपलैंड ने किया था, लेकिन टर्म दोनों किसने दिए थे? अर्नेस्ट हेकल में। मोनेरा किंगडम वॉज प्रपोज्ड बाय कोपलैंड, बट मोनेरा टर्म वॉज गिवन बाय अर्नेस्ट हेकल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ज्यादातर बच्चे ढेर हो गए इस क्वेश्चन में। प्रोटिस्टा तो उन्होंने बता लिया, लेकिन मोनेरा में गलत कर दिया, तो मोनेरा और प्रोटिस्टा दोनों ही टर्म किसने दिए थे? अर्नेस्ट हेकल ने दिए थे। फिर बताइएगा स्पीसीज टर्म किसने दिया था? स्पीसीज टर्म, ये मैंने पहले भी बताया आपको, टर्म स्पीसीज गिवन बाय, जल्दी से आंसर करेंगे।
जल्दी से। यस हाँ, बहुत सारे बच्चों ने सही भी किया था। वेरी गुड, जल्दी से बताएंगे। यह जॉन रे के द्वारा दिया गया स्पीसीज टर्म। अब बताइए जीनस टर्म किसने दिया था? जॉन रे ने स्पीसीज टर्म दिया था, जीनस टर्म किसके द्वारा दिया गया? कई बच्चे मेयर बता रहे हैं। जीनस टर्म किसके द्वारा दिया गया? जॉनसन? नहीं बेटा, जीनस टर्म भी जॉन रे के द्वारा दिया गया। जीनस टर्म भी जॉन रे के द्वारा दिया गया। अब बताइए फैमिली टर्म किसने दिया था? स्पीसीज टर्म, जीनस टर्म दोनों जॉन रे ने दिया। अब बताइए कि फैमिली टर्म किसके द्वारा दिया गया? संतोष, काजल, वेरी गुड। फैमिली टर्म भी जॉन रे के द्वारा दिया गया। तो ये तीनों टर्म, जीनस, फैमिली, स्पीसीज, तीनों टर्म किसके द्वारा दिए गए? जॉन रे के द्वारा ही प्रपोज किए गए। कैसे हाल चाल है बेटा? तुक्के खूब लगा रहे हो तुम लोग, तुक्के लगाने में एकदम पीछे नहीं हट रहे हो। तुक्के तो खूब लगा रहे हो, लेकिन बात ये कि तुक्के आपके सेट नहीं हो पा रहे हैं, है ना? चलिए ठीक है। बेटा यहीं पे हूं मैं, परेशान क्यों हो रहे हो तुम लोग? चलिए अब बताइए क्लास टर्म किसने दिया था? जल्दी से बताएंगे क्लास टर्म किसके द्वारा दिया गया था? गौरव, जल्दी बताइए बेटा। रूबी, बेगम, अमृता राज, यस बहुत बढ़िया। लिनियस के द्वारा क्लास टर्म दिया गया था, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब जॉन रे इसमें भी नहीं करना है बेटा, मेंटी बेटा होगा इस सेशन के बाद होगा, जब ये हम थ्योरी वाला पोर्शन कंप्लीट कर लेंगे तब मेंटी होगा, ठीक है? परेशान मत होइए। चलिए फिर बताइएगा सिस्टमैटिक टर्म किसके द्वारा दिया गया था? टर्म सिस्टमैटिक, ये तो एनसीईआरटी ने भी कहीं ना कहीं मेंशन किया है। अच्छा चलिए, आयुषी, वेरी गुड बेटा। दोनों ही टर्म लिनियस के द्वारा दिए गए थे। सिस्टमैटिक की अगर हम बात करें, सिस्टमैटिक और क्लास दोनों ही टर्म लिनियस के द्वारा दिए गए थे। चलिए अब बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टैक्सोनॉमी। टर्म टैक्सोनॉमी वॉज गिवेन बाई, बहुत ही बढ़िया सवाल है। टैक्सोनॉमी टर्म किसके द्वारा दिया गया था? यस गौरव, वेरी गुड बेटा। एडी कैंडोले के द्वारा दिया गया था टैक्सोनॉमी टर्म। टैक्सोनॉमी के बारे में खूब डिटेल में आप पढ़ते हैं, एपीडी कैंडोले के द्वारा टैक्सोनॉमी टर्म दिया गया था। अब बताइएगा फाइलम टर्म किसने दिया था? ये मैंने आपको बताया है, फाइलम टर्म किसके द्वारा दिया गया? जल्दी से आंसर करिएगा, फाइलम टर्म किसके द्वारा दिया गया? जल्दी से आंसर करेंगे। यश, वैभव शर्मा, वेरी गुड बेटा। फाइलम टर्म दिया गया था जॉर्ज क्यूवियर के द्वारा, क्यूवियर नाम के साइंटिस्ट के द्वारा फाइलम टर्म दिया गया था। अब बताइएगा जो बायोलॉजी हम पढ़ रहे हैं, ये बायोलॉजी टर्म किसके द्वारा दिया गया? जल्दी से आंसर करेंगे, टर्म बायोलॉजी वॉज गिवेन बाई, जल्दी से आंसर करिएगा, बायोलॉजी टर्म किसके द्वारा दिया गया था? जल्दी से आंसर करिएगा, बायोलॉजी टर्म। पूरा आंसर नहीं कर रहे हैं बेटा, एरिस्टोटल अकेले नहीं है, नहीं, लैमार्क एंड ट्रेविरेनस के द्वारा, बेटा एरिस्टोटल नहीं है यहाँ पर, लैमार्क एंड ट्रेविरेनस के द्वारा बायोलॉजी टर्म दिया गया था, लैमार्क एंड ट्रेविरेनस। मैक्सिमम बच्चे एरिस्टोटल कर रहे हैं, बेटा एरिस्टोटल फादर है बायोलॉजी के, लेकिन ये बायोलॉजी टर्म लैमार्क एंड ट्रेविरेनस के द्वारा दिया गया था। अंकिता, साक्षी, पीहू, वेरी गुड बेटा। लेकिन ज्यादातर बच्चों ने पहले गलत किया था, भले वो आप सही कर रहे हो। टर्म बायोलॉजी लैमार्क एंड ट्रेविरेनस ने 1802 में पहली बार दिया था, और फादर ऑफ बायोलॉजी जब पूछा जाएगा तब आप एरिस्टोटल करेंगे। टर्म अलग है, फादर अलग है, क्लियर? टर्म न्यू सिस्टमैटिक वॉज गिवन बाय, सिस्टमैटिक तो आपने बता दिया लिनियस ने दिया था, न्यू सिस्टमैटिक टर्म किसके द्वारा दिया गया था? जल्दी से आंसर करेंगे, टर्म न्यू सिस्टमैटिक वॉज गिवेन बाई, जल्दी से आंसर करेंगे, न्यू सिस्टमैटिक टर्म किसके द्वारा दिया गया? अंजलि, वेरी गुड। ये दिया गया जूलियन हक्सले के द्वारा। जूलियन हक्सले ने न्यू सिस्टमैटिक टर्म को प्रपोज किया था पहली बार। अब बताइए बायो सिस्टमैटिक टर्म किसने दिया? टर्म बायो सिस्टमैटिक्स वॉज गिवेन बाई, जल्दी से, बायो सिस्टमैटिक टर्म किसने दिया था? जूलियन हक्सले ने न्यू सिस्टमैटिक दिया, सिस्टमैटिक लिनियस ने दिया, और यस वेरी गुड। प्रिया गुप्ता, कैंप और गिली के द्वारा बायो सिस्टमैटिक टर्म दिया गया था। बेटा हो सकता पहली बार पढ़ रहे हो,
थोड़ा कठिन लगे, लेकिन इसमें से एक भी पॉइंट ऐसा नहीं जो आपके एग्जाम में पूछा नहीं गया है। ये सब प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है उन्हीं से पॉइंट मैंने निकाल के सारी चीजें यहां पर बनाई है, ठीक है। तो कैंप और गिली के द्वारा बायोसिस्टमैटिक टर्म दिया गया था। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। क्या क्या हम पढ़ चुके हैं, हमने एनसीईआरटी के सी एनिमल पढ़ लिए, फॉल्स वर्म पढ़ लिए, ट्रू वर्म पढ़ लिए, टर्म पढ़ लिए। अब हम पढ़ने जा रहे हैं ब्रांचेस ऑफ द बायोलॉजी। तो मैं आपको ब्रांच के बारे में बताऊंगा और आप ब्रांच का नाम बताओगे, ठीक है। हाँ, अंकिता ने जैसे बताया टर्म डिवीजन इचलर के द्वारा दिया गया, बेटा मैं कराऊंगा, लेकिन मैं छोटे छोटे स्टेप में आपको कराऊंगा। जैसे 10 पॉइंट आज मैंने करा दिए, 10 मैं कल करा दूंगा, ऐसे ही थोड़े थोड़े पॉइंट कराएंगे, क्योंकि एक ही दिन सब कुछ कराएंगे तो आपको याद नहीं हो पाएगा, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। चलिए अब मैं सेंटेंस बोलूंगा, आपको ब्रांच का नाम बताना है। ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डीलिंग विद स्ट्रक्चर फंक्शन एंड रिप्रोडक्शन ऑफ सेल इज कॉल्ड, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डीलिंग विद स्ट्रक्चर फंक्शन एंड रिप्रोडक्शन ऑफ सेल इज कॉल्ड। चलिए बहुत ही आसान है, लेकिन साक्षी ने, संदीप निषाद ने, फैंटम ने गलत भी कर दिया। ज्यादातर बच्चे गलत कर रहे हैं, जो बच्चे साइटोलॉजी कर रहे हैं उनका आंसर गलत है बेटा, क्योंकि ये जो ब्रांच है दैट इज सेल बायोलॉजी, ये ब्रांच है सेल बायोलॉजी। ध्यान दीजिएगा, जब आपसे स्ट्रक्चर फंक्शन और रिप्रोडक्शन कहेगा तो आप साइकोलॉजी आंसर नहीं करोगे, तब आंसर सेल बायोलॉजी करोगे। ये बहुत ही बेसिक टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन अगर आपने कॉमन सेंस लगा दिया यहां पर तो ये गलत हो जाएगा। यहां पर आपको कॉमन सेंस नहीं कॉन्सेप्ट लगाना है। कॉमन सेंस आपसे क्या कहेगा कि भाई सेल के बारे में हम पढ़ रहे हैं तो साइटोलॉजी कर दें, और आपने किया ही, लेकिन आपका आंसर गलत हो गया यहां पर और एग्जाम में पूछा गया है। अब सुनिएगा ध्यान से, स्टडी ऑफ सेल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड, अब बताइएगा स्टडी ऑफ सेल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड, जल्दी से स्टडी ऑफ सेल स्ट्रक्चर। हाँ अक्षय, अब आपने सही किया, गौरव आप सही कर रहे हैं, भावना यस। अब अगर केवल ये पूछा जाए स्टडी ऑफ सेल स्ट्रक्चर, तब आप साइटोलॉजी आंसर करेंगे, लेकिन अगर सेल के स्ट्रक्चर के साथ साथ फंक्शन और रिप्रोडक्शन भी लिखा है तो आप सेल बायोलॉजी करेंगे, तब आप सेल साइटोलॉजी आंसर नहीं करेंगे। क्या मेरी बात आप समझ पा रहे हैं बेटा कि सेल बायोलॉजी और साइटोलॉजी दोनों में क्या अंतर है? मैं सारी ब्रांचेस आपको बता दूंगा सारी, लेकिन थोड़े थोड़े करके 10-10 ब्रांचेस में आपको बताऊंगा, 10 दिन में सारी ब्रांचेस बायोलॉजी की आपको याद हो जाए। क्लियर बेटा, क्लियर के बात आपको समझ में आ रही है? और जो मेथड मैं यूज कर रहा हूं क्या ये आपको सही लग रहा है? अगर कोई चेंज आप चाहते हैं तो कमेंट में आप बता सकते हैं, या फिर ये तरीका जो मैं यूज कर रहा हूं एकदम परफेक्ट है, या कुछ चेंजेस आप चाहते हैं बेटा। मान लीजिए कि 100 ब्रांचेस होंगी तो 10 दिन में हम कवर कर लेंगे, और थोड़े थोड़े करके हम कवर करेंगे, तभी धीरे धीरे हो पाएगा, ठीक है बेटा। चलिए फिर बताइए, स्टडी ऑफ फंजाई, बहुत आसान आसान से पॉइंट भी होंगे, कुछ टफ पॉइंट होंगे, कुछ आपने पढ़े होंगे, ठीक है। चलिए फिर बताइएगा, क्या मैंने पूछा स्टडी ऑफ फंजाई, यस मनुगिरी, वेरी गुड। माइकोलॉजी, अब कई बच्चे फाइकोलॉजी कर रहे हैं बेटा, नहीं, अगर हम फंजाई की स्टडी की बात करते हैं बेटा तो फंजाई की जो स्टडी दैट इज कॉल्ड माइकोलॉजी, इसीलिए लाइकेन में जो फंगल कंपोनेंट होता है उसे क्या कहते हैं, माइकोबियोंड कहा जाता है, क्योंकि फंजाई की स्टडी को माइकोलॉजी कहा जाता है। अब बताइएगा स्टडी ऑफ एल्गी इज कॉल्ड, एल्गी की स्टडी को क्या कहते हैं? अब आप बताइए, फंजाई की स्टडी को माइकोलॉजी कहा जाता है और एल्गी की स्टडी को, यस रजनीश वेरी गुड बेटा, एल्गी की स्टडी को फाइकोलॉजी कहते हैं, या फिर एल्गोलॉजी भी कहते हैं, एल्गोलॉजी या फाइकोलॉजी, और जो कि लाइकेन में एल्गी भी होता है इसलिए एल्गल कंपोनेंट को फाइकोबियोंड कहते हैं, और ये बहुत बेसिक बातें हैं। चलिए फिर बताइएगा स्टडी ऑफ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म जैसे वायरस बैक्टीरिया ये सब माइक्रोस्कोपिक होते हैं, तो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म की स्टडी को क्या कहते हैं बेटा, जल्दी से बताइएगा, माइक्रोस्कोपिक, यस गौरव वेरी गुड, गौरव यादव ने आंसर दिया है, यस दैट इज नेम डैश, प्रियांशी ने भी आंसर किया, दैट इज माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म बेटा उन्हें कहते हैं जिनको आप नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं। माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म का साइज 100 माइक्रोमीटर से कम होता है और इनकी स्टडी को माइक्रोबायोलॉजी के नाम से जाना जाता है, दैट इज माइक्रो बायोलॉजी। जब आप एमबीबीएस करेंगे तो ये सब्जेक्ट होगा आपका माइक्रोबायोलॉजी के नाम से, डिटेल में आप कल्चर बनाएंगे उस समय, है ना। मेंटी की टाइमिंग बेटा आप मान के चलिए 5:30 पे हमने शुरू किया सेशन को, तो 6:30 के आसपास हम मेंटी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलिए
स्टडी ऑफ, ठीक ध्यान से सुनिएगा, स्टडी ऑफ बॉडी फंक्शन इज कॉल्ड स्टडी ऑफ बॉडी फंक्शन। या आप चाहे प्लांट बॉडी की बात करें, चाहे एनिमल बॉडी की बात करें, बताइएगा स्टडी ऑफ बॉडी फंक्शन। बेटा आज का बायो, जो बायोटेक का सेकंड पार्ट बचा हुआ था उसके क्वेश्चन आज हम करेंगे। यस सौरभ, वेरी गुड बेटा, दैट इज फिजियोलॉजी, स्टडी ऑफ बॉडी फंक्शन, चाहे वो रेस्पिरेशन हो, फोटोसिंथेसिस हो, डाइजेशन हो, जो भी बॉडी फंक्शन है उनकी जो स्टडी है दैट इज नेम्ड एज फिजियोलॉजी। और आपके पास दो फिजियोलॉजी हैं, प्लांट फिजियोलॉजी एंड ह्यूमन फिजियोलॉजी। चलिए आप बताइएगा स्टडी ऑफ स्नेक्स, सांपों के अध्ययन को क्या कहते हैं, स्टडी ऑफ स्नेक। कुछ चीजें बहुत आसान है, कुछ चीजें हो सकता है थोड़ी सी कठिन हो, लेकिन प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। अगर आप लगातार प्रैक्टिस करेंगे तो आप परफेक्ट हो जाएंगे। यस, ज्यादातर बच्चों ने सही आंसर किया स्नेक की स्टडी को। यस भावना, वेरी गुड बेटा, सर्पेंटोलॉजी या ऑफियोलॉजी कहा जाता है स्नेक की स्टडी को, ऑफियोलॉजी भी कहते हैं और सर्पेंटोलॉजी के नाम से। अब आप देखिए, अगर हिंदी में आप स्नेक की बात करें तो क्या कहते हैं, सर्प, और इसकी स्टडी क्या है, सर्पेंटोलॉजी। तो आप आसानी से लिंक कर सकते हैं सर्पेंटोलॉजी या ऑफियोलॉजी स्नेक की स्टडी को कहते हैं। बहुत बढ़िया आप कर रहे हैं। स्टडी ऑफ लिजर्ड इज कॉल्ड, जल्दी से बताइएगा लिजर्ड की स्टडी को क्या कहते हैं, लिजर्ड से छिपकली की बात करें तो लिजर्ड की स्टडी को क्या कहते हैं, जल्दी से आंसर करेंगे स्टडी ऑफ लिजर्ड इज कॉल्ड। और फिर किसी दिन मैं आपको ये मिंटी के क्वेश्चन भी इसी तरीके से करवा दूंगा, ठीक। अभी तो मैं रिवाइज करवा रहा हूं आपको, दैट इज संदीप वर्मा, या सौरोलॉजी कहा जाता है बेटा। लिजर्ड की स्टडी को सौरोलॉजी के नाम से जाना जाता है, ठीक है, सौरोलॉजी, सौरोलॉजी ये है स्टडी ऑफ द लिजर्ड, जो छिपकली है इनकी स्टडी को सौरोलॉजी कहते हैं। 10 पॉइंट में कराऊंगा केवल, बहुत ज्यादा पॉइंट में नहीं कराऊंगा, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट बताइएगा, स्टडी ऑफ रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियन इज कॉल्ड, रेप्टाइल और एम्फीबियन की स्टडी के लिए कॉमन टर्म यूज करते हैं, जल्दी से बताइएगा स्टडी ऑफ एम्फीबियन एंड रेप्टाइल, स्टडी ऑफ एम्फीबियन एंड रेप्टाइल, जल्दी से बताइएगा। अंकिता चौधरी, वेरी गुड बेटा, दैट इज नेम्ड एज हर्पीटोलॉजी। एम्फीबियन और रेप्टाइल की जो स्टडी होती है उसे हर्पीटोलॉजी के नाम से जाना जाता है, हर्पीटोलॉजी। स्टडी ऑफ बर्ड ये खूब पूछा जाता है, और ये सबसे पहले चैप्टर की शुरुआत में जहां पर अर्नेस्ट मायर आपको दिए गए वहां पर ये ब्रांच लिखी हुई है, स्टडी ऑफ बर्ड इज नेम्ड एज, अर्नेस्ट मायर वाले टॉपिक में। अंजलि, वेरी गुड बेटा, दैट इज नेम्ड एज ऑर्निथोलॉजी, बर्ड की स्टडी को ऑर्निथोलॉजी के नाम से जाना जाता है। तो ये 10 ब्रांचेस हो गई बेटा। क्या क्या हमने पढ़ा है, हमने 10 सी एनिमल पढ़े, फॉल्स वर्म पढ़े, ट्रू वर्म पढ़े, 10 टर्म हमने पढ़े, 10 हमने यहां पर बात कर ली ब्रांचेस के बारे में। चलिए अब मैं आपसे कुछ फादर के बारे में पूछूंगा तो उनके आंसर आप करेंगे, ठीक। एक पॉइंट तो बहुत ही सिंपल यहां पर है, जैसे फादर ऑफ बायोलॉजी में पहला पॉइंट तो आपको बता ही दिया गया कि टर्म बायोलॉजी किसने दिया था, लैमार्क एंड ट्रेवेरेनस ने 1802 में, ठीक है। ये तो टर्म की बात हो गई, अब बताइएगा फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहा जाता है, जल्दी से बताएंगे फादर ऑफ बायोलॉजी। हाँ, सलीम अली को कहते हैं बर्डमैन ऑफ इंडिया, सलीम अली को बर्डमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। आपको बताना है फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहते हैं। यस बिल्कुल सही, अनुज गुप्ता, शमरीन, यस। अब बताइए फादर ऑफ जूलॉजी किसे कहा जाता है, फादर ऑफ बायोलॉजी एरिस्टोटल है, फादर ऑफ जूलॉजी किसे कहा जाता है, या जूलॉजी अगर आप पढ़ते हो, ठीक है। हाँ, अरस्तु कहते हैं हिंदी में इन्हें, इंग्लिश में एरिस्टोटल, सेम है बेटा सेम, दोनों के फादर, चाहे फादर ऑफ जूलॉजी पूछा जाए, फादर ऑफ बायोलॉजी पूछा जाए, दोनों का एरिस्टोटल आंसर होगा, या फिर फादर ऑफ साइंस पूछा जाए, विज्ञान के जनक, विज्ञान के पिता भी एरिस्टोटल ही कहे जाते हैं। तो फादर ऑफ साइंस, फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ जूलॉजी सभी क्या हैं, एरिस्टोटल। फिर बताइएगा फादर ऑफ बॉटनी किसे कहते हैं, फादर ऑफ बॉटनी, जल्दी बताइएगा, बॉटनी के फादर ये नहीं है बेटा, यस धीरज, वेरी गुड बेटा, थियोफ्रेस्टस, थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है फादर ऑफ बॉटनी, फादर ऑफ बॉटनी कहते हैं बेटा थियोफ्रेस्टस को। चलिए फिर बताइएगा हिप्पोक्रेट, हिप्पोक्रेट किसके फादर हैं, जल्दी से बताइएगा हिप्पोक्रेट, हिप्पोक्रेट किसके फादर हैं। अब थोड़ा सा मैंने उल्टा करके पूछ लिया है,
हिप्पोक्रेट किसके फादर हैं? यस, मेडिसिन के छत्रपाल ने बताया है, मेडिसिन के फादर हैं। काजल ने भी आंसर किया, इंडियन आयुर्वेद नहीं बेटा, हिप्पोक्रेट इज कॉल्ड फादर ऑफ मेडिसिन, ये मेडिसिन के जनक हैं। जब आप एमबीबीएस में सेलेक्ट होंगे, अपने कॉलेज में पहले दिन जाएंगे ना, तो हिप्पोक्रेट की ओथ यानी हिप्पोक्रेट की कसम आपको दिलाई जाएगी कि अपनी जिंदगी में कोई गलत काम आप नहीं करेंगे, पैसे के लिए किसी की किडनी नहीं बेचेंगे, ये पहले दिन आपको कसम खिलाई जाएगी, जिसे कहते हैं हिप्पोक्रेट ओथ। इन्हें गॉड ऑफ मेडिसिन कहा जाता है, फादर ऑफ मेडिसिन के नाम से जाना जाता है। चलिए फिर बताइएगा, फादर ऑफ साइटोलॉजी किसे कहते हैं? बहुत आसान है, बहुत आसान है, सभी लोग जानते होंगे, फादर ऑफ साइटोलॉजी किसे कहा जाता है, जल्दी से बताइएगा। हाँ, सुश्रुत को सर्जरी का फादर कहा जाता है। शुभ नायक ने सही आंसर दिया है, रॉबर्ट हुक, दैट इज नेम्ड एज फादर ऑफ साइटोलॉजी, क्योंकि इन्होंने सबसे पहली बार सेल की खोज की थी। हाँ, लिविंग सेल को सबसे पहली बार लेवन हॉक ने देखा था। फिर बताइएगा, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी किसे कहते हैं? फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, टर्म टैक्सोनॉमी कैंडोले ने दिया था, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी किसे कहते हैं? रूपाली नहीं बेटा, यस, संदीप ने सही आंसर दिया है, अंजू यादव ने सही आंसर दिया, अनश इदरीसी ने सही दिया है, दैट इज लिनियस, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी एंड फादर ऑफ नॉमेनक्लेचर, नामकरण के जनक कौन है? टैक्सोनॉमी के फादर तो लिनियस है, लेकिन नॉमेनक्लेचर के फादर कौन है? सेम, यस सुशील, वेरी गुड बेटा। चाहे फादर ऑफ टैक्सोनॉमी पूछा जाए, चाहे फादर ऑफ नॉमेनक्लेचर पूछा जाए, दोनों के लिए कैरोलस लिनियस आप आंसर करेंगे, ठीक, लिनियस दोनों के ही फादर हैं। अब बताइएगा, फादर ऑफ आयुर्वेदा, इंडियन मेडिसिन सिस्टम है आयुर्वेद, तो आयुर्वेद के जनक कौन है? जल्दी से बताइएगा, आयुर्वेद के जनक कौन है? जल्दी से आंसर करेंगे, राजेश नहीं बेटा, सेम नहीं है, सोनाली वेरी गुड, चरक, चरक को कहा जाता है फादर ऑफ आयुर्वेदा, आयुर्वेदा के जनक चरक कहे जाते हैं बेटा, या ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। फिर बताइएगा, फादर ऑफ जेनेटिक्स, अब इससे आसान कोई सवाल नहीं हो सकता आज का, फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे कहते हैं? जल्दी से बताइएगा, जेनेटिक्स के जनक कौन है? आनुवांशिकी के जनक, यस राहुल वेरी गुड बेटा, दैट इज ग्रेगर जॉन मेंडल, मेंडल को जेनेटिक्स का फादर कहा जाता। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन भी आएंगे, कठिन भी आएंगे, जैसे मॉडर्न जेनेटिक्स के फादर, अब बताइए, फादर ऑफ द मॉडर्न जेनेटिक्स, जल्दी से आंसर करेंगे, फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स, जल्दी से आंसर करिएगा, जल्दी से आंसर करिएगा, जल्दी से। संध्या वेरी गुड, विलियम बैटसन, विलियम बैटसन को कहते हैं फादर ऑफ द मॉडर्न जेनेटिक्स, तो दोनों चीजें ध्यान रखिएगा, जेनेटिक्स के फादर मेंडल है और मॉडर्न जेनेटिक्स के फादर विलियम बैटसन है। अब बताइए एक और पॉइंट खतरनाक, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स, अब बताइए, अब कहानी शुरू हुई, और दसवीं पॉइंट हम करेंगे, दसवां पॉइंट आने वाला है, यस बहुत बढ़िया अनुज, वेरी गुड, मॉर्गन, एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स के फादर मॉर्गन है, तो जेनेटिक्स के फादर मेंडल, मॉडर्न जेनेटिक्स के फादर बेटसन और एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स के फादर मॉर्गन हो जाएंगे, 10 पॉइंट ये हो गए। अब आते हैं बेटा यहाँ पर कुछ थ्योरीज की बात करते हैं, है ना, और 10 ही पॉइंट यहाँ पर भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, तो 10 पॉइंट यहाँ पर भी हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए देखते हैं जरा, बहुत आसान से पॉइंट भी होंगे बीच बीच में, ठीक है, और कुछ कठिन पॉइंट भी हो सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, मैं सब कुछ कराऊंगा, चाहे वो आसान सी बात हो चाहे कठिन बात हो, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर गिवन बाई, जल्दी से आंसर करिएगा, यस गौरव वेरी गुड, लिनियस के द्वारा, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर लिनियस के द्वारा दिया गया, दुनिया जानती है, आप जानते हैं, पूरी दुनिया में यूज किया जा रहा है। अब बताएंगे थ्योरी ऑफ नेचुरल सेलेक्शन, थ्योरी ऑफ नेचुरल सेलेक्शन, जल्दी जल्दी करिए बेटा, जल्दी जल्दी करिए, 1 घंटे होने वाले हैं, इसके बाद हम मेंटी भी करेंगे, ठीक है, यस बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, किरण पाल, यस डार्विन के द्वारा, बहुत आसान है, नेचुरल सेलेक्शन डार्विन के द्वारा दिया गया, प्राकृतिक वरण का सिद्धांत कहा जाता है इसे। अब बताइएगा सेल थ्योरी गिवेन बाई, जल्दी से आंसर करिएगा, बहुत आसान से क्वेश्चन है, सेल थ्योरी वॉज गिवेन बाई, जल्दी से आंसर करिएगा, सेल थ्योरी किसके द्वारा दी गई? जल्दी से आंसर, विर्चो ने नहीं दिया था बेटा, विर्चो ने नहीं दिया था, यस रिया ने आंसर किया, स्लाइडेन एंड स्वान, सेल थ्योरी स्लाइडेन एंड स्वान के द्वारा दी गई 1831
38, 18, 39 में एक एक चीज को निचोड़ के आपको बता दूंगा, और एक एक चीज को हम कई कई बार रिवाइज करेंगे तो आपको आ ही जाएगा। ये नहीं पहली बार हम पढ़ रहे हैं, कई बार हम इसकी बात कर चुके हैं। फिर बताइएगा, सेल थ्योरी वॉज मॉडिफाइड बाई, सेल थ्योरी को किसने मॉडिफाई किया? 10 पॉइंट हम करेंगे जल्दी से, 4 पॉइंट हो चुके हैं। सेल थ्योरी वॉज मॉडिफाइड बाई गौरव, वेरी गुड बेटा। रुडोल्फ विर्चो के द्वारा सेल थ्योरी को मॉडिफाई किया गया था इन द ईयर 1855, 1855 में सेल थ्योरी को मॉडिफाई किया गया। अब बताइएगा जर्म प्लाज्म थ्योरी, अब मेन कहानी शुरू हुई। जर्म प्लाज्म थ्योरी किसके द्वारा दी गई थी? अब मेन कहानी यहां से शुरू होती है। 4 पॉइंट तो बहुत आसान से मिले आपको। अब बताइएगा जर्म प्लाज्म थ्योरी या सोनाली, वेरी गुड, आपके लिए कठिन नहीं है। जर्म प्लाज्म थ्योरी वीजमैन के द्वारा दी गई थी। इन्होंने लैंडमार्क की थ्योरी का विरोध किया था, चूहे की पूंछे काटते रहे कई जनरेशन तक। तो चलिए जर्म प्लाज्म थ्योरी के बाद आते हैं, इसी से मिलती जुलती थ्योरी, जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज, जर्म प्लाज्म थ्योरी है ये। अब मैंने क्या पूछा, जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज किसके द्वारा दी गई थी? जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज, यस, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आशु वर्मा गरिमा, वेरी गुड। लुईस पाश्चर के द्वारा दी गई जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज। जितनी थ्योरी एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी के बाहर है, सब मैं कवर कराऊंगा आपको, बस साथ में लगे रहना। आपको 2 घंटे का टाइम निकालना और 2 घंटे में बहुत सारी चीजें करा दूंगा, 200 चीजें आपको याद करा दूंगा, लेकिन आपको रिवाइज करते रहना। पीडीएफ तुरंत मैं अभी आपको दे दूंगा, जैसे सेशन ओवर होगा व्हाट्सएप ग्रुप पे, जो आपका टेलीग्राम चैनल है, सब जगह मैं पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दूंगा। अगला पॉइंट बताइएगा, जीन थ्योरी किसके द्वारा दी गई? जीन थ्योरी, अब ये हो सकता नया हो आपके लिए, जीन थ्योरी किसके द्वारा दी गई? इसमें आप गलत कर सकते हैं, जल्दी से। जॉनसन ने बेटा जीन टर्म दिया था, मैं जीन थ्योरी की बात कर रहा हूं। ना ना ना, इसमें तो आपने गलत कर दिया, सब जॉनसन करें। जॉनसन ने जीन टर्म दिया था बेटा, जीन थ्योरी दी गई थी अंकिता, वेरी गुड बेटा, मॉर्गन के द्वारा। जो जीन थ्योरी से मैं लिंकेज के बारे में बताएगा, तो जीन थ्योरी मॉर्गन, ये आप में से ज्यादातर 99% बच्चों ने गलत किया है। चलिए अब बताएंगे प्रोटोप्लाज्मिक थ्योरी वॉज गिवन बाई, प्रोटोप्लाज्मिक थ्योरी। बेटा अगर आप सारी चीजें याद करके जाएंगे नीट देने के लिए एनसीईआरटी और एनसीईआरटी के बाहर, तो आप कॉन्फिडेंट रहेंगे। भले ही एनटीए आपसे कह रहा है कि एनसीईआरटी बेस्ड ही पूछेगा, लेकिन अगर बाहर से पूछेगा तो आप क्या करें, क्योंकि पिछली बार भी नीट में 15 सवाल एनसीईआरटी के बाहर से थे। प्रोटोप्लाज्मिक थ्योरी किसके द्वारा दी गई? प्रोटोप्लाज्मिक थ्योरी को किसी का आंसर अभी तक सही नहीं आया है, किसी का आंसर अभी तक सही नहीं। हक्सले, स्ट्रॉसबर्गर, जॉनसन, पुरकिंजे, सारे नाम आ चुके, लेकिन कोई सही नाम नहीं है। नहीं नहीं, कोई भी नेगलियन, क्रैमर, लैमार्क, डुजार्डिन, कोई भी सही नाम नहीं है। सारकोट भी गलत है। अच्छा, कोई बच्चे कह रहे गंगवार सर नालायक हो एकदम। मोहल भी गलत है बेटा। तुक्के अब लगाना शुरू कर दिया, पहले दुनिया भर के सब नाम ले लेना। मैक्स सुल्ज के द्वारा प्रोटोप्लाज्मिक थ्योरी को दिया गया था, सुल्ज नाम के साइंटिस्ट के द्वारा प्रोटोप्लाज्मिक थ्योरी दी गई, कोई भी बच्चा नहीं बता पाया। अब बताइएगा थ्योरी ऑफ ए बायोजेनेसिस, थ्योरी ऑफ ए बायोजेनेसिस किसके द्वारा दी गई? थ्योरी ऑफ ए बायोजेनेसिस, जल्दी से बताइएगा। अब बताने से बेटा मैक्स सुल्ज कोई फायदा नहीं है। थ्योरी ऑफ ए बायोजेनेसिस, यस, किरण पाल, वेरी गुड बेटा। वॉन हेलमोंट के द्वारा ए बायोजेनेसिस थ्योरी दी गई थी। फिर बताइए थ्योरी ऑफ, एनसीईआरटी का थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, ये किसके द्वारा दी गई थी? जल्दी से बताइएगा थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, रजनीश, वेरी गुड बेटा। लैमार्क के द्वारा ये थ्योरी दी गई थी, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, या फिर इसका नाम है यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन। और एक पॉइंट और है, लॉक एंड की हाइपोथेसिस ऑफ एंजाइम एक्शन। एंजाइम एक्शन की 2 हाइपोथेसिस है, एक लॉक एंड की मॉडल है और एक इंड्यूस फिट मॉडल है। तो लॉक एंड की मॉडल किसके द्वारा दिया गया था? यश मनुगिरी, वेरी गुड बेटा। ये एमएल फिशर के द्वारा दिया गया था, यहां पर पॉइंट है नहीं, इसको हम कल डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो ये बात हो गई बेटा यहाँ पर थ्योरीज के बारे में। तो हमने क्या क्या डिस्कस किया जरा समझिएगा, हमने कितने पॉइंट अभी तक डिस्कस कर लिए हैं, ठीक, जरा सुनिएगा। हमने एनसीईआरटी के सी एनिमल पढ़े 10,
ट्रू और फॉल्स वर्म हमने पढ़े 8, 10 टर्म हमने डिस्कस किए, 10 ब्रांचेस हमने डिस्कस की, 10 फादर हमने डिस्कस किया, 10 थ्योरीज के बारे में हमने बात की। तो कितने पॉइंट टोटल हो गए? टोटल यहां पर हमने करीब 58, आप कह सकते 60 पॉइंट हमने डिस्कस किए, ठीक है। 60 पॉइंट को आज हमने यहां पर डिस्कस किया। टाइम कितना लगा? करीब यहां पर हमें 45 मिनट का टाइम लगा। तो 45 मिनट में करीब हमने 60 पॉइंट, एक्चुअल हम देखें तो 58 पॉइंट हुए हैं, लेकिन लगभग में हम 60 पॉइंट कह सकते हैं कि हमने 60 पॉइंट को करीब 50 मिनट में डिस्कस कर लिया है। अब प्लांट फिजियोलॉजी का एक छोटा सा टॉपिक है बेटा जो यहां पर हम डिस्कस करने वाले हैं, बैलेंस शीट के बारे में, है ना, कि रेस्पिरेशन में कितनी एटीपी बनती है, कितनी एटीपी खर्च होती है, इससे रिलेटेड जितने भी सवाल हैं ये सब आज क्लियर हो जाएंगे, ये सारे सवाल अब आप कर पाएंगे यहां पर। तो चलिए मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले बेटा देखिए, जब आप रेस्पिरेशन पढ़ते हैं तो ग्लाइकोलाइसिस आता है, ये एनसीईआरटी का ही फिगर है जो दो पार्ट में मैंने आपको दिखाया है। ये ग्लूकोज आप देख रहे हैं यहां पर, और ग्लूकोज से पाइरुविक एसिड का जो फॉर्मेशन है इसी को हम क्या कहते हैं, ग्लाइकोलाइसिस के नाम से जानते हैं। तो ग्लूकोज से पाइरुविक एसिड का बनना ही ग्लाइकोलाइसिस कहलाता है, ये तो पहली चीज हो गई। अब ये बेटा जो ग्लाइकोलाइसिस है इसमें देखिए दो स्टेप ऐसे हैं जहां पर एटीपी खर्च हो रहा है, एटीपी जब खर्च होता है तो एडीपी में चेंज होता है ना, तो दो स्टेप पे एटीपी खर्च हो रहा है और दो स्टेप ऐसे हैं जहां पर एटीपी बन रहा है। ये देखिए ये दो स्टेप ऐसे हैं जहां पर एटीपी बन रहा है और एक स्टेप बेटा ऐसा है जहां पर एनएडीएच का प्रोडक्शन हो रहा है। तो अब यही पांच साइट आपको याद रखनी, कहां पर एटीपी खर्च हो रहा है, कहां पर एटीपी बन रहा है और कहां पर एनएडीएच का प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है। तो चलिए इसको जरा ग्लाइकोलाइसिस को देखिए, ग्लाइकोलाइसिस में एटीपी कहां पर खर्च हो रही, दो स्टेप ऐसे हैं जहां पर एटीपी खर्च हो रहे हैं। पहला स्टेप है कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, है ना, एक एटीपी ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनने के दौरान खर्च होती है, ठीक है। दूसरी जो एटीपी है बेटा वो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट बनने के दौरान खर्च होती है। देखिए दूसरी एटीपी फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट बनने के दौरान खर्च होती है, तो दो एटीपी यहां पर खर्च हो जाती है, ठीक, दो एटीपी खर्च हो गई। अब बनती कितनी है देख लीजिए आप यहां पर, एटीपी सिंथेसाइज्ड एट टू स्टेप, दो स्टेप पे एटीपी बनती। पहला एटीपी बनती है बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के दौरान दो एटीपी की सिंथेसिस होती है, ठीक है, बीपीजीए से 3 पीजीए के दौरान। ये देखिए ये है बीपीजीए, 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, और चूंकि दो मॉलिक्यूल बेटा यहां पर है इसलिए दो एटीपी की सिंथेसिस इस स्टेप पे हो जाती है। और दूसरा बेटा यहां पर आप देख सकते हैं 2 फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट पेप, फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट से पाइरुविक एसिड बनने के दौरान यहां पर चूंकि दो दो मॉलिक्यूल है इसलिए दो एटीपी यहां पर बनती है। तो बन रही कितनी? 4 एटीपी, खर्च कितनी हो रही है? 2 एटीपी। तो यहां पर अगर ग्लाइकोलाइसिस में आप देखेंगे तो नेट गेन कितना आता है? 2 एटीपी का, लेकिन ये एनएडीएच भी यहां पर बेटा दो मॉलिक्यूल एनएडीएच के भी प्रोड्यूस होते हैं, और एनएडीएच के दो मॉलिक्यूल है बेटा। अगर आप ईटीएस में जाओगे तो ईटीएस में एक एनएडीएच से कितने मॉलिक्यूल बनते हैं? एक एनएडीएच से, ईटीएस में 3 मॉलिक्यूल बनते हैं तो दो एनएडीएच से कितने बनेंगे? 6 बन जाएंगे। तो आप देखिए 6 एटीपी यहां से बन जाएंगे एनएडीएच से, 6 एटीपी, दो एटीपी यहां बने और दो एटीपी यहां बने, टोटल बने 10 एटीपी, और खर्च कितने हुए? 2 एटीपी खर्च हुए। तो ग्लाइकोलाइसिस में आप देखेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन में टोटल गेन कितना आएगा? 8 एटीपी का टोटल गेन आएगा ग्लाइकोलाइसिस की अगर हम बात करते हैं, ठीक है। ग्लाइकोलाइसिस में अगर हम टोटल गेन देखेंगे, ये देखिए एटीपी प्रोडक्शन इन रेस्पिरेशन, और रेस्पिरेशन का मतलब यहां पर किससे है? एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लाइकोलाइसिस होती है, क्रेब्स साइकिल होती है, ईटीएस चलती है। तो आप देखिएगा यहां पर दो एनएडीएच है बेटा, यहां पर दो एनएडीएच से 6 एटीपी का फॉर्मेशन होता है, बीपीजीए से 3 पीजीए के दौरान दो एटीपी बनती है, और पेप से पाइरुविक एसिड के दौरान दो एटीपी बनती है। तो टोटल यहां पर फॉर्मेशन हुआ 10 एटीपी का, और दो एटीपी यूटिलाइज हो जाती तो नेट गेन कितना आया? 8 एटीपी। तो ग्लाइकोलाइसिस में नेट गेन 8 एटीपी का आया। अब जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं ग्लाइकोलाइसिस से रिलेटेड सब आपके सामने, कहां पर एटीपी खर्च होती है, कहां पर एटीपी
बनती है, ये सारी चीजें मैंने आपको यहां पर बता दी। साथ ही एनएडीएच, आप याद करोगे कि एक एनएडीएच से ईटीएस में 3 एटीपी बनती है, तो 2 एनएडीएच से 6 एटीपी का प्रोडक्शन होगा ईटीएस के दौरान। अब इसके बाद देखिए बेटा, यहां पर ग्लूकोज से जब पाइरुविक एसिड का फॉर्मेशन हो गया, ग्लाइकोलिसिस कंप्लीट हुआ, ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज से पाइरुविक एसिड बन गया यहां पर, और 8 एटीपी मैंने आपको काउंट करा दिए जो बने यहां पर। अब जो बेटा पाइरुविक एसिड है, ये देखिए पाइरुविक एसिड, इसको पाइरुवेट भी हम कहते हैं। अब जो पाइरुविक एसिड है, इससे जब एसिटाइल कोएंजाइम ए बनता है, तो एसिटाइल कोएंजाइम ए बनने के दौरान ये देखिए एनएडीएच यहां पर प्रोड्यूस हो रहा है, और एनएडीएच का मतलब क्या हो गया कि जब ईटीएस में जाएंगे तो इससे कितनी एटीपी बन जाएंगी, 3 एटीपी यहां पर प्रोड्यूस हो जाएंगी इस जगह पर। लेकिन बेटा ये एक पाइरुवेट की बात की गई, एक पाइरुवेट से एक एसिटाइल कोएंजाइम ए बनेगा, लेकिन अगर आप एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल की बात करेंगे ग्लाइकोलिसिस में, तो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से 2 पाइरुविक एसिड बनेंगे। तो अगर 2 पाइरुविक एसिड बेटा यहां पर 2 पाइरुविक एसिड है, तो 2 पाइरुविक एसिड से 2 एसिटाइल कोएंजाइम ए बनेंगे, यानी 2 एनएडीएच बनेंगे, और 2 एनएडीएच होंगे तो टोटल यहां पर कितनी आ जाएंगी, 6 एटीपी का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो यानी पाइरुविक एसिड से बेटा, पाइरुविक एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम ए बनने के दौरान 6 एटीपी, देखिए यहां पर लिखा हुआ है, पाइरुविक एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम ए बनने के दौरान 2 एनएडीएच प्रोड्यूस होंगे, और ये 6 एटीपी का फॉर्मेशन करेगा। बेटा हमेशा ध्यान रखिएगा, जो ये कैलकुलेशन हम कर रहे हैं वो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के लिए कर रहे हैं। एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से ग्लाइकोलिसिस में 2 पाइरुविक एसिड का फॉर्मेशन होगा, और एक पाइरुविक एसिड से एक एनएडीएच बनेगा एसिटाइल कोएंजाइम ए में जाने पर, तो 2 पाइरुविक एसिड से 2 एनएडीएच बनेंगे, और 2 एनएडीएच का मतलब 6 एटीपी बनेंगी ईटीएस के दौरान। क्लियर बेटा? तो ये यहां पर 8 एटीपी आपको मिल गई ग्लाइकोलिसिस में, 6 यहां पर मिल गई। अब जो एसिटाइल कोएंजाइम ए है, ये क्रेब्स साइकिल में एंटर करेगा। अब क्रेब्स साइकिल की कहानी देखिए, ये क्रेब्स साइकिल जो आपको दी गई बेटा, ये एनसीईआरटी की दी गई है, और ये मैंने अलग से आपको बना के दी, ये ज्यादा अच्छे तरीके से आप समझ सकते हैं। अब देखिए, जो एसिटाइल कोएंजाइम ए है बेटा, ये ऑक्सैलोएसिटिक एसिड से रिएक्शन करता है और सिट्रिक एसिड बनाता है, सिट्रिक एसिड से आइसोसिट्रिक एसिड बनता है, और आइसोसिट्रिक एसिड जब अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड में चेंज होता तो एक एनएडीएच का फॉर्मेशन होता। ध्यान दीजिएगा, अभी हम एक एसिटाइल कोएंजाइम ए की बात कर रहे हैं, एक एसिटाइल कोएंजाइम ए से पहला एनएडीएच कहां पर निकला, आइसोसिट्रिक से अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड में। दूसरा एनएडीएच कहां पे निकला, अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड से सक्सिनाइल कोएंजाइम ए के बीच में, और तीसरा मैलिक एसिड से ऑक्सैलोएसिटिक एसिड के बीच में तीसरा एनएडीएच निकला। तो 3 एनएडीएच यहां पर मिले आपको, 3 एनएडीएच एक एसिटाइल कोएंजाइम से, और एसिटाइल कोएंजाइम आपके पास है कितने बेटा, एसिटाइल कोएंजाइम आपके पास 2 है, तो एक एसिटाइल कोएंजाइम से 3 एनएडीएच का फॉर्मेशन हुआ, तो 2 से कितने हो जाएंगे, 6 एनएडीएच का फॉर्मेशन होगा। तो आप देख सकते हैं कि बेटा यहां पर आइसोसिट्रेट से अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड में 2 एनएडीएच, अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड से सक्सिनाइल कोएंजाइम में 2 एनएडीएच, और इसके अलावा मैलिक एसिड से ऑक्सैलोएसिटिक एसिड में 2 एनएडीएच। अब एक एनएडीएच से 3 एटीपी बनते हैं, तो 2 एनएडीएच से 6 एटीपी यहां पर, 6 एटीपी यहां पर, और 6 एटीपी यहां पर, ये हो गए 18 एटीपी। अब आगे बढ़ते हैं, अब देखिएगा यहां पर बेटा, आप देखिए तो सक्सिनाइल कोएंजाइम ए से सक्सिनिक एसिड या सक्सिनेट बनने के दौरान एटीपी बन रहा है, एक एसिटाइल कोएंजाइम से एक एटीपी बनेगा, लेकिन 2 एसिटाइल कोएंजाइम है तो 2 एटीपी यहां पर बन जाएंगे। और देखिए सक्सिनिक एसिड से फ्यूमेरिक एसिड बनने के दौरान FADH2 प्रोड्यूस हो रहा है, एक एसिटाइल कोएंजाइम इस साइकिल में जाएगा क्रेब्स साइकिल में, तो एक FADH2 बनेगा, 2 एसिटाइल कोएंजाइम होंगे तो 2 FADH2 बनेंगे। अब देखिए यहां पर सक्सिनाइल कोएंजाइम से सक्सिनिक एसिड में जाने पर 2 ATP प्रोड्यूस होंगे, और सक्सिनिक एसिड से फ्यूमेरिक एसिड जाने में 2 FADH2 बनेंगे। अब कॉन्सेप्ट मैंने क्या बताया कि अगर एक NADH है, एक NADH ETS में बेटा जाके 3 ATP बनाता है, ये ध्यान रखिएगा, और एक FADH2 की अगर हम बात करते हैं तो ये ETS में जाके 2 ATP प्रोड्यूस करता है, ये कॉन्सेप्ट आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अब यहां पर 2 FADH2 है तो 4 ATP का फॉर्मेशन हो जाएगा, क्लियर। तो अब आप जोड़ लीजिए यहां पर क्रेब्स साइकिल को जोड़िएगा, इतना 6 6 12 14 18 6 24, तो नेट गेन इन क्रेब्स साइकिल, क्रेब्स साइकिल में नेट गेन कितना है, 24 ATP का,
पायरुविक एसिड से स्टाइल को एंजाइम ए बनने में 6 TPI और ग्लाइकोलिसिस में 8 ATPI, टोटल जोड़ लीजिए 8 और 6 14, 14 और 24 कितने हो गए 38 ATP। यही एनसीईआरटी ने डायरेक्टली लिख दिया है कि एरोबिक रेस्पिरेशन में 38 ATP का फॉर्मेशन होता है, 8, 6 और 24, है ना। अब कई तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि किस किस लेवल पे आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं। अब जैसे एक सवाल यहां पर ऐसे पूछा जाता है कि आपसे ये मान लीजिए पूछा गया कि पायरुविक एसिड से, ठीक है, पायरुविक एसिड की अगर हम बात करें, अगर पायरुविक एसिड का ऑक्सीडेशन हो, पायरुविक एसिड का अगर कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो तो कितने एटीपी बनेंगे। अब ध्यान से समझिएगा। देखिए पहली चीज तो ये कि पायरुविक एसिड से पहले की जो स्टेप उनको आप छोड़ दोगे। अब आप देखिए यहां पर जो पायरुविक एसिड है बेटा, वो 2 पायरुविक एसिड हमने लिए, तो 2 पायरुविक एसिड से अगर आप चलोगे आखिर तक तो आपको टोटल कितने एटीपी मिले, 38 ATP मिले। अब पायरुविक एसिड से जब आप स्टार्ट करोगे तो इसके पहले जो ग्लाइकोलिसिस को आप छोड़ दोगे, मतलब 8 ATP आप छोड़ दो, कितने बचे, 30 ATP बचे। अब 30 ATP यहां पर 2 पायरुविक एसिड से मिले, लेकिन अगर 1 पायरुविक एसिड से आपको पूछा जाएगा तो अगर 2 पायरुविक एसिड से 30 ATP मिले तो 1 से कितने मिलेंगे, 15। तो ऑक्सीडेशन ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड प्रोड्यूसेस 15 ATP, ऐसे सवाल आपसे पूछे जाते हैं। तो वो तभी कर पाएंगे जब पूरी बैलेंस शीट आपको पता होगी। 2 पायरुविक एसिड से 30 ATP बनेंगे ऑक्सीडेशन से, तो 1 पायरुविक एसिड से 15 बनेंगे। अब देखिए अगर क्वेश्चन आपसे बेटा पूछा गया कि एसिटाइल कोएंजाइम ए से आपको चलना है, तो एसिटाइल कोएंजाइम ए से अगर आपको शुरुआत करनी, देखिए यहां से अगर आपको शुरुआत करनी है एसिटाइल कोएंजाइम ए से, तो ये वाला NADH भी आपको 2 छोड़ने पड़ेंगे, है ना, ये वाले NADH भी आपको छोड़ देने हैं। तो अब अगर हम केवल एसिटाइल कोएंजाइम ए से पूछा जाए तो केवल आप कितनी, ये 24 ATP लोगे, इसके पहले का सारे स्टेप आप छोड़ दोगे। तो अगर इनको आप छोड़ दोगे तो अब 24 ATP तब बनी जब 2 एस्टाइल कोएंजाइम है, एक होगा तो कितना होगा 12 ATP। तो ऑक्सीडेशन ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ एस्टाइल कोएंजाइम प्रोड्यूसेस 12 ATP। अब कुछ सवाल मैं आपसे पूछूंगा, अगर आपकी समझ में आ गया है तो आप आसानी से आंसर कर सकते हैं, ठीक। ध्यान दीजिएगा मैं क्या पूछने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। अब जैसे ये क्वेश्चन मैंने कराया वैसे मैं पूछ रहा हूं कि ऑक्सीडेशन ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ सक्सिनिक एसिड प्रोड्यूसेस हाउ मेनी एटीपी। अगर 1 मॉलिक्यूल सक्सिनिक एसिड का है तो उसे कितने एटीपी का प्रोडक्शन होगा, क्या बेटा ये समझ में आया जो मैंने आपको समझाया, क्या जो मैंने समझाया ये आपकी समझ में आया है। ये पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा, इसको एक बार पढ़िएगा, ठीक है। सक्सिनिक एसिड के 1 मॉलिक्यूल से बेटा मैंने पूछा है कितने एटीपी प्रोड्यूस होंगे, 1 मॉलिक्यूल में बोल रहा हूं बार बार ध्यान से सुनिएगा, सक्सिनिक एसिड के 1 मॉलिक्यूल से कितने एटीपी प्रोड्यूस होंगे। जिन बच्चों का आंसर 5 आया है वो एकदम सही कर रहे हैं, ठीक। अब मैंने कहां से पूछा, सक्सिनिक एसिड से पूछा, तो मैंने क्या कहा बेटा कि इसके ऊपर सब कुछ आप भूल जाओ, जहां से क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसके आगे को आप कंसीडर करोगे। तो सक्सिनिक एसिड से क्वेश्चन पूछा गया तो आप केवल इन दोनों को कंसीडर करोगे, 4 और 6 10 ATP। लेकिन बेटा ये सब कैलकुलेशन 2 मॉलिक्यूल के लिए, क्योंकि क्रेब साइकिल 2 बार चलती है ग्लूकोज मॉलिक्यूल के लिए। मैंने आपसे क्या कहा, 1 सक्सिनिक एसिड, तो 1 सक्सिनिक एसिड से अगर आप चलोगे, देखो मैं आपको फिगर में भी दिखाऊं, अगर 1 सक्सिनिक एसिड, देखिए ये सक्सिनिक एसिड है, और अगर 1 सक्सिनिक एसिड मॉलिक्यूल है तो 1 FADH2 और 1 NADH ही तो बना यहां तक जाने में, साइकिल कंप्लीट करने में। तो अब 1 FADH2 बना मतलब 2 ATP और 1 NADH बना मतलब 3 ATP, टोटल कितना हो गया, 5 ATP तो हो गया, खत्म हो गया, क्लियर। कुछ समझ पा रहे हैं आप, ये थोड़ा सा टेक्निकल है, 5 ATP बनेंगे। चलिए अब एक दो सवाल और मैं जल्दी से पूछता हूं, फिर मेंटी करते हैं हम लोग, है ना। अब बताइएगा मुझे, अगर मैं सवाल आपसे पूछता हूं अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड, ध्यान से सुनिएगा, अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड, आसान लग रहा ना ये, क्या ये आसान लग रहा है बेटा, अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड से कंप्लीट ऑक्सीडेशन पर, बेटा मेंटी अभी स्टार्ट होगा, ठीक, अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड से कंप्लीट ऑक्सीडेशन होने पर कितने एटीपी प्रोड्यूस होंगे। अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड से मैंने पूछा है बेटा, तो मैंने क्या कॉन्सेप्ट सिखाया है, अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड,
अल्फा कीटो ग्लुटेरिक एसिड, यहां पे है बेटा अल्फा कीटो ग्लुटेरिक एसिड। ये तो इसके पहले सब कुछ भूल जाइए, यहां से शुरुआत करिए आप, इसके आगे के पार्ट को आप कंसीडर करिए। तो कितने एटीपी हैं? 6, 2, 8, 8, 4, 12, 12 और 6, 18 एटीपी हो जाएंगे बेटा। तो 18 एटीपी तो दो अल्फा कीटो ग्लुटेरिक एसिड से, एक से कितने हो जाएंगे? 9 हो जाएंगे बेटा। ये चीज ध्यान रखिएगा, एग्जाम में वो सिंगल मॉलिक्यूल की बात करेगा। तो अब ये सब पॉइंट जो आप याद करते थे कि एक पायरिक एसिड से 15 एटीपी, एस्टाइल कोएंजाइम से 12 एटीपी, अल्फा कीटो ग्लुटेरिक एसिड से 9, सक्सिनिक एसिड से 5, ये सब आपको याद नहीं करना पड़ेगा। आपको केवल ये टेबल आनी चाहिए, ये बैलेंस शीट अगर आपको पता है कहां पर एनएडीएच बन रहा है, कहां पर एफएडीएच2 बन रहा है, कहां पर एटीपी बन रहा है, तो आप आसानी से कोई भी कैसा भी क्वेश्चन हो आप कर सकते हो। रट नहीं सकते आप, कितना आप याद कर लोगे कि कहां 9 एटीपी बनती, कहां 8 एटीपी बनती, कहां 5 बनती है, ये सब आप रट नहीं सकते हैं, ठीक है? ये सब नहीं रट पाएंगे बेटा, आपको बैलेंस शीट याद करनी, बाकी कॉन्सेप्ट आपको याद करना है। चलिए एक सवाल और बता दीजिए, अगर मैं पूछूं मैलिक एसिड से, मैलिक एसिड से अगर मैं पूछता हूं, अब ध्यान से सुनिएगा, अभी आंसर मत करिएगा, ध्यान से सुनिएगा, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल अगर है, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के लिए, ध्यान से सुनिएगा, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के लिए अगर मैलिक एसिड का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है, कितने एटीपी वहां पर प्रोड्यूस होंगे? एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के लिए, ध्यान से सुनिएगा, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के लिए, ध्यान से नहीं सुन रहे बेटा तो गलत करेंगे। देखिए आंसर 3, 6, 4, बहुत सारे आंसर आने लगे। मैंने कहा एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के लिए मैलिक एसिड से कितने कंप्लीट ऑक्सीडेशन से कितने एटीपी प्रोड्यूस होंगे बेटा? तो देखिए मैलिक एसिड यहां पर दिया गया, तो इसके पहले सब कुछ छोड़ देना है आपको, ठीक है? आपको केवल मैलिक एसिड और उसके बाद के स्टेप लेने। तो इसके बाद यही के स्टेप है, 6 एटीपी है और 6 एटीपी बेटा ये दो मैलिक एसिड एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से है, तो यही आपका सीधा आंसर हो जाएगा। जब एक मॉलिक्यूल के बारे में पूछा जाएगा तब आप हाफ करोगे, तब 3 एटीपी करोगे, यहां पर एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के लिए पूछा जाएगा तो आपका आंसर 6 एटीपी हो जाएगा। एक बार फिर से मैं चीजों को समराइज कर दे रहा हूं, ध्यान से सुन लीजिएगा, ठीक है? कि क्या कॉन्सेप्ट मैंने यहां पर आपको बताया, उस कॉन्सेप्ट को आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो आपकी समझ में आसानी से आ जाएगा, ठीक है? फिर से एक बार सुन लीजिएगा जो बातें मैंने आपको यहां पर बताई हैं। जिस स्टेप पे आपसे पूछा जाए उसके पहले के सारे स्टेप आप छोड़ दोगे, ठीक है? जिस स्टेप पे आपसे पूछा जाए उसके पहले के सारे स्टेप आप छोड़ दोगे। और आपको यह पता होना चाहिए कि एक ग्लूकोज से दो पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन होता है और क्रेब साइकिल दो बार चलती है एक ग्लूकोज के कंप्लीट ऑक्सीडेशन के लिए। आप सुनिए, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर एक बार फिर से बता दीजिएगा, पायरुविक एसिड वाला या एस्टाइल कोएंजाइम ए वाला, है ना? तो देखिए यहां पर ये पायरुविक एसिड, अगर पायरुविक एसिड से आपसे पूछा गया कि एक पायरुविक एसिड के कंप्लीट ऑक्सीडेशन से कितने एटीपी का फॉर्मेशन होगा, ठीक है? एक पायरुविक एसिड के कंप्लीट ऑक्सीडेशन से कितने एटीपी बनेंगे, तो आपको क्या करना है बेटा, यहां पर ये जो पायरुविक एसिड आपको दिया गया इसके पहले के सारे स्टेप आपको छोड़ देने और इसके आगे के सारे स्टेप आपको लेने। तो अब आप देखिए कि अगर आप पायरुविक एसिड से चलते हैं तो इसके पहले कितने एटीपी थे? 8, ये छोड़ दीजिए, टोटल कितने बने थे? 38, तो बचे कितने? 30 बचे। और 30 एटीपी बेटा जो बने हैं वो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल या दो पायरुविक एसिड से बने, तो दो पायरुविक एसिड से अल्टीमेटली 30 एटीपी का फॉर्मेशन हुआ है, तो एक पायरुविक एसिड के कंप्लीट ऑक्सीडेशन से 15 एटीपी बन जाएंगे, क्लियर? यहां पर अगर आपसे पूछा जाए ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुविक एसिड फ्रॉम वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल, तब आपका आंसर 30 ही आएगा, क्योंकि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से दो पायरुविक एसिड, और ये सारा कैलकुलेशन एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के लिए किया गया। डन बेटा, क्या ये बात आपको समझ में आई जो मैंने रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट बताई? और अगर कोई टॉपिक आप चाहते हो तो मुझे बताइए, मैं उसको यहां पर डिस्कस करूंगा कल के सेशन में। कोई टॉपिक ऐसा जिसमें आपको दिक्कत हो रही हो बेटा, पीडीएफ तुरंत अभी मैं सेंड कर दूंगा, ठीक है? जैसे सेशन ओवर होगा तुरंत ये पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा, क्लियर? कोई टॉपिक अगर आप चाहते हो सारा पीडीएफ मैं दे दूंगा बेटा, जितने भी टॉपिक मैंने अभी कराए हैं सब कुछ मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है? तो अच्छा, कई बच्चे कह रहे हैं कोडॉन का, बेटा ऐसा कोई कॉन्सेप्चुअल टॉपिक हो जहां थोड़ा सा दिमाग लगना हो, रटने वाली चीजें तो मैं करवा ही रहा हूं आपको। अच्छा, सेल डिवीजन कई बच्चे कह रहे हैं, सेकेंडरी ग्रोथ,
बेटा एक्टोडर्मल मेसोडर्मल को याद करना है, लैकोपेरॉन के बारे में, हाँ लैकोपेरॉन में करा सकता हूँ, ईटीएस हो गया एक टॉपिक जहां पे आप गलती करते हैं, मतलब मैं कॉन्सेप्चुअल टॉपिक की बात कर रहा हूँ जहां पर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगे। जैसे यहां पर कॉन्सेप्ट है कि आप एक बार अगर इस बैलेंस शीट को समझ लेंगे तो आसानी से कोई भी आंसर आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आपके सजेशन मैंने देख लिए, कल आपके लिए कुछ सरप्राइज होगा फिर से एक बार, है ना। तो चलिए अब आज हम बेटा यहां पर अब करेंगे मिंटी, है ना। तो चलिए जल्दी से सब लोग मिंटी पे आएंगे, कोड आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है 649163, ये आज का मिंटी कोड है। बायोटेक हम डिस्कस कर रहे हैं बेटा, बायोटेक का एक पार्ट हमने कर लिया था, दूसरा पार्ट आज हम डिस्कस करेंगे। तो मेंटी कोड है 649163, ये आज का मेंटी कोड। ठीक बेटा जल्दी से आइए, फिर हम स्टार्ट करते हैं, मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ थोड़ा सा। चलिए बेटा स्टार्ट करें। चलिए तो बायोटेक का बेटा ये जो फर्स्ट चैप्टर उसका सेकंड पार्ट हम डिस्कस कर रहे हैं आज,
क्रैश कोर्स आपने पढ़ लिया होगा। ठीक है, जल्दी से आइए, फिर हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, चलिए देखिए। प्रेजेंस ऑफ मोर देन वन रिकग्निशन साइट विद इन द वेक्टर अगर किसी वेक्टर में एक से ज्यादा रिकग्निशन साइट हैं, तो उसकी वजह से क्या होगा? इससे जीन क्लोनिंग आसान हो जाएगी या फिर कॉम्प्लिकेट हो जाएगी? बेटा एनटीए का जो मॉक टेस्ट है उसका एक पेपर आज अपलोड होगा, बायो का, ठीक, उसको भी जरूर आप करिएगा, बहुत सारी चीजें आप सीखेंगे उसमें। चलिए तो देखते हैं, यहां पर 224 बच्चों ने आंसर किया है यहां पर, और देखते कितने बच्चे सही कर पाते हैं। ये तो पहले क्वेश्चन में मिनटी ढेर हो गया आज। चलिए बेटा, तो अगर किसी वेक्टर में एक से ज्यादा रिकग्निशन साइट है, तो उससे जो वेक्टर है उसके बेटा कई सारे फ्रेगमेंट बन जाएंगे, और इससे जो जीन क्लोनिंग है वो कॉम्प्लिकेट हो जाएगी। तो 132 बच्चे सही कर पाए बेटा, और करीब 90 बच्चों ने गलत किया है। ये सीधी सीधी लाइन है बेटा, ये मैंने आपको पढ़ाया भी है, तो आप रिवाइज जरूर करिए या एनसीईआरटी जरूर पढ़िए। क्रैश कोर्स नहीं पढ़ेंगे, एनसीईआरटी रिवाइज नहीं करेंगे, तो फिर आप कैसे कर पाएंगे? क्वेश्चन करने से तो काम नहीं चलेगा, आपको थ्योरी भी कवर करनी है, क्वेश्चन भी कवर करने हैं, दोनों चीजें आपको करनी बेटा साथ ही साथ, ठीक है। चलिए तो अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर टू। बेटा पहले बात से फर्क नहीं पड़ता ना मेंटी को, कि पहले लाइव करें मेंटी करें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, ये कभी कभी मेंटी दिक्कत करता ही है ना। चलिए क्वेश्चन आ गया होगा आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर टू में आपसे कहा स्टिकनेस ऑफ द स्टिकी एंड ऑफ द डीएनए फैसिलिटेट द, जब रिस्ट्रिक्शन एंजाइम डीएनए को कट करता है तो स्टिकी एंड का फॉर्मेशन होता है, और जो स्टिकी एंड होते हैं ये किस काम में मदद करते हैं? चलिए जल्दी से आंसर करेंगे। यस, 163 बच्चों ने सही जवाब दिया बेटा। यहां पर जो स्टिकनेस होता है ये डीएनए लाइगेज के काम में मदद करती है, तो यहां पर 163 बच्चों ने सही किया है और करीब 60 बच्चों ने गलत जवाब दिया है। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम चल रहे हैं। यस, चलिए ठीक, अब सही चल रहा है। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, चार स्टेटमेंट आपको दिए गए हैं, इनमें से आपको करेक्ट स्टेटमेंट सेलेक्ट करना है, लेकिन 2 सेकंड में बच्चे कैसे आंसर कर देते हैं बेटा? 2 सेकंड वाला सवाल तो नहीं है, जैसे क्वेश्चन डिस्प्ले होता कई सारे बच्चे आंसर कर देते हैं, ये कैसे करते हो तुम लोग? हाँ, ऑल देखो लगा दिया, बोथ देखा लगा दिया, वाह अच्छा, ये बोथ वाले हैं, बहुत बढ़िया। चलो देखो करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, पहला स्टेटमेंट करेक्ट है।
अब ऑप्शन फोर जितने ये देखे 103 बच्चों ने किया बोथ, मतलब इन्होंने देखा ये बेटा एनटीए वाला पेपर नहीं कि बोथ सही होगा ऑल सही होगा, ये मेरा पेपर है बेटा, इसमें थोड़ा सा सावधानी रखनी है। यहाँ पर बेटा ए ऑप्शन जो दिया गया था, एग्रोजेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इज यूज टू चेक द प्रोग्रेशन ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम डाइजेशन, ये सही है। डीएनए इज निगेटिवली चार्ज एंड लाइपोफिलिक, गलत था बेटा, ये हाइड्रोफिलिक नेचर का होता है। एग्रो बैक्टीरियम एंड रेट्रोवायरस बोथ ट्रांसफॉर्म नॉर्मल एनिमल सेल इनटू कैंसर सेल, बेटा एग्रो बैक्टीरियम एनिमल सेल को कैंसर सेल में नहीं बल्कि प्लांट सेल को कैंसर सेल में चेंज करता है, ठीक है। तो केवल 89 बच्चे कर पाए, इन्होंने तो तुक्का ही लगाया है, बाकी हो सकता है इन बच्चों ने थोड़ा सा कोशिश की हो, तो 89 बच्चे केवल यहां पर कर पाए हैं। 120 बच्चों ने गलत किया है, मतलब ज्यादातर बच्चों ने गलत किया है। एनसीईआरटी की सीधी लाइनें हैं बेटा, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट और इनमें आपको बताना है कितने करेक्ट हैं, कितने स्टेटमेंट इनमें करेक्ट हैं। पहला है प्राइमर यूज्ड इन पीसीआर आर स्मॉल केमिकली सिंथेसाइज्ड ऑलिगोसैकराइड, दूसरा है ई कोलाई इज क्लोजली रिलेटेड टू साल्मोनेला, तीसरा देयर आर थ्री बेसिक स्टेप इन जेनेटिकली मॉडिफाइंग एन ऑर्गेनिज्म, और चौथा है द टेक्निक ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग ओवरकम लिमिटेशन ऑफ ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन प्रोसीजर। यस, 133 बच्चों ने सही किया बेटा, यहाँ पर केवल ए ऑप्शन गलत था, जो प्राइमर होते वो ऑलिगोसैकराइड नहीं होते बल्कि ऑलिगो न्यूक्लियोटाइड होते, तो यही पहला स्टेटमेंट गलत था, बाकी सब सही थे। तो तीन स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट थे, 133 बच्चे सही कर पाए हैं, 70 बच्चों ने गलत किया है। जल्दी से बताएंगे सभी लोग मेंटी पे, कोड है 64 91 63, ये आज का मेंटी कोड है 64 91 63, जल्दी से आएंगे। रेस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियेजेस आर, रेस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियेजेस आर, अच्छा कई बच्चे कह रहे क्वेश्चन आज के बड़े हैं, नहीं बेटा, रेस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियेजेस बेटा बैक्टीरिया के द्वारा सिंथेसाइज किए जाते हैं और अपने बचाव के लिए, क्योंकि रेस्ट्रिक्शन टर्म का मतलब बचने से होता है, रिस्ट्रिक्ट करना। तो 144 बच्चे कर पाए हैं यहाँ पर, 80 बच्चों ने करीब गलत किया है, और लीडर बोर्ड देखते हैं बेटा, यहाँ पर 5 क्वेश्चन के बाद अब लीडर बोर्ड आता है, तो यहाँ पर रुखसाना टॉप पे है, दूसरे नंबर पे अनुष्का है, देन नीलोफर, अवि आनंद, स्तुति सिंह, शुभम वर्मा, पीहू, शिखा त्रिपाठी, अरबाज एन संस्कार, ज्यादातर बच्चे ऐसे हैं जो पहले टॉप कर चुके हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, थर्मल साइकिल इज यूज्ड इन, थर्मल साइकिल, थर्मल साइकिल का मतलब टेम्परेचर को इंक्रीज करना। अब आप सोचिए कि टेम्परेचर की जरूरत कहाँ पे पड़ती, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, दिमाग लगाओगे तो हो जाएगा। महिमा करें सर इसका न्यूमेरिकल कब करेंगे, बेटा किसका न्यूमेरिकल आप पूछ रहे हो, न्यूमेरिकल ही तो कर रहे हैं, किसके न्यूमेरिकल की बात आप कर रहे हो बेटा। थर्मल साइकिल डीनेचुरेशन में पीसीआर में यूज होती है, तो देखिए कितने बच्चों ने, यस 198 बच्चों ने सही आंसर किया है, 29 बच्चों ने गलत किया। बेटा पीसीआर में डीनेचुरेशन के लिए थर्मल साइकिल की जरूरत पड़ती है। चलिए फिगर है, आपको पहचानना कि फिगर क्या शो कर रहा है, पीसीआर है ये, एग्रोजेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है, डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग है, या बायोलिस्टिक या जीन गन है, बहुत आसान सा फिगर है, एनसीईआरटी से लिया गया, जल्दी से आंसर करेंगे। द फॉलोइंग फिगर शोज, ये फिगर क्या इंडिकेट कर रहा है, ये है बेटा एग्रोजेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो कितने बच्चों ने सही आंसर किया, 221 बच्चों ने सही आंसर किया है, और यहां पर 12 बच्चों ने गलत किया, मतलब मैक्सिमम बच्चों ने इस क्वेश्चन को सही किया है। चलिए अगले सवाल पे हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, बायोटेक थोड़ा सा आपको कठिन लगता है, लेकिन अगर आप थ्योरी को सही तरीके से रिवाइज करें, क्वेश्चन को करें, तो आप आसानी से इसे कर सकते हैं। प्लाज्मिड आर यूज्ड एज वेक्टर इन जेनेटिक इंजीनियरिंग बिकॉज ऑफ देयर, प्लाज्मिड को वेक्टर के तौर पे जेनेटिक इंजीनियरिंग या बायोटेक में क्यों यूज किया जाता है, जल्दी से बताएंगे। प्लाज्मिड को क्यों यूज किया जाता है वेक्टर के तौर पे, बेटा नाम ही वेक्टर है, वेक्टर का मतलब ये वेक्टर के रूप में कैरी करता है फॉरेन जीन को। 166 बच्चों ने
सही आंसर किया, लेकिन करीब 60 बच्चों ने गलत किया है। बेटा नाम ही वेक्टर है, तो वेक्टर का मतलब कुछ ले जाने वाला। तो जो फॉरेन जीन या डिजायर्ड डीएनए होता है उसको एक कैरी करता है। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाइल आइसोलेटिंग डीएनए फ्रॉम द बैक्टीरिया विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज नॉट यूज्ड। अगर बैक्टीरिया से डीएनए को हम निकालना चाहते हैं तो कौन सा एंजाइम यूज नहीं करेंगे? राइबोन्यूक्लिएज, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिएज, लाइसोजाइम या प्रोटीएज, कौन सा एंजाइम यूज नहीं करेंगे? आसान है बेटा, देखिए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिएज यूज नहीं करेंगे वरना डीएनए ही डाइजेस्ट हो जाएगा। हमें डीएनए को आइसोलेट करना है तो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिएज का यूज नहीं करेंगे। 148 बच्चों ने सही किया है और यहां पर करीब 80 बच्चों ने गलत किया है। बेटा कॉन्सेप्ट थोड़ा सा आपको लगाना पड़ेगा, एकदम सीधा एनसीईआरटी ने नहीं लिखा है ना? हाँ, नॉट लिखा हुआ है, नॉट पे ध्यान नहीं देंगे तब भी गलत हो जाएगा, नॉट यूज्ड है ना। चलिए फिर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 10, विच इज करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट हीट शॉक। हीट शॉक के लिए आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। गिवेन एट 42 डिग्री सेल्सियस, सही है। और ए स्टेप ऑफ द प्रोसेस दैट इनेबल इंट्रोडक्शन ऑफ एलियन डीएनए इन टू होस्ट सेल, ये भी सही है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे करना था। 186 बच्चों ने यहाँ पर किया है लेकिन करीब 42 बच्चों ने गलत ऑप्शन सेलेक्ट किया, वो ए ऑप्शन के बाद बढ़ ही नहीं पाए। तो बेटा यहाँ पर चारों ऑप्शन नहीं पढ़ोगे तो नहीं कर पाओगे ये चीजें, मैं बार बार आपसे कहता हूँ। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर फास्टेस्ट किसने किया है। अभी आनंद ने, और टॉप पे अभी भी रुखसाना है, देन अनुष्का, नीलोफर, अवि आनंद, अरबाज, पीहू, स्तुति, संस्कार, तृप्ति और गरिमा। तृप्ति और गरिमा की एंट्री हो रही है टॉप 10 में। चलिए बेटा आप भी लीडर बोर्ड में आ सकते हैं, बस आपको फास्ट आंसर करना है और आपको सही आंसर करना है। अच्छा आंधी कहाँ पे आ गई बेटा? क्वेश्चन नंबर 11, प्यूरिफाइड डीएनए अल्टीमेटली प्रेसिपिटेट आउट आफ्टर द एडिशन ऑफ चिल्ड इथेनॉल। दिस डीएनए दैट सेपरेट आउट कैन बी रिमूव्ड बाय, ये केवल फिगर में एनसीईआरटी लिखा, लैंग्वेज में नहीं लिखा बेटा। इस प्रोसेस को स्पूलिंग के नाम से जाना जाता है, दैट इज नेम्ड एज स्पूलिंग। तो देखते हैं कितने बच्चे कर पाए। 188 बच्चों ने सही किया है और करीब यहां पर 40 बच्चों ने गलत किया है। 188 बच्चों ने एकदम सही आंसर यहां पर किया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन यूजेस, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में किसे यूज करते हैं? प्राइमर और डीएनए लाइगेज को, केवल डीएनए लाइगेज को, डीएनए पॉलीमरेज को, या प्राइमर एंड डीएनए पॉलीमरेज? क्वेश्चन नंबर 12, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जल्दी से बताएंगे पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में किसे यूज करते हैं? यस बेटा, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में प्राइमर को यूज करते हैं और डीएनए पॉलीमरेज को यूज करते हैं। ये भी 180 बच्चों ने सही किया लेकिन 48 बच्चों ने गलत किया। बेटा लाइगेज का यूज नहीं करते हैं, डीएनए पॉलीमरेज और प्राइमर का यूज किया जाता है। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 13, बेटा एनसीईआरटी या तो पढ़िए या क्रैश कोर्स आप पढ़िए। क्रैश कोर्स हम एनसीईआरटी से ही ले रहे हैं तो वहां से आप जल्दी अपने टॉपिक को कवर कर सकते हैं। जो बहुत सारी बातें आप खुद नहीं समझ पाते हैं वो क्रैश कोर्स से आप समझ सकते हैं। डीएनए इज, डीएनए कैसा मॉलिक्यूल और कैसा चार्ज इस पे पाया जाता है? डीएनए इज हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल और इस पे निगेटिव चार्ज होता है बेटा, तो सी ऑप्शन करेक्ट है। देखते हैं 186 बच्चे यहां पर कर पाए हैं बेटा और करीब 50 बच्चों ने इसे गलत किया है। ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा, डीएनए हाइड्रोफिलिक होता है और इस पे नेगेटिव चार्ज पाया था। नेगेटिव चार्ज एनसीईआरटी ने जेनेटिक्स में भी लिखा है, जब हिस्टोन प्रोटीन का टॉपिक आपको बताया था पैकेजिंग वाला, और बायोटेक में भी एनसीईआरटी ने इसके बारे में बताया। पीसीआर इज यूजफुल इन, पीसीआर से क्या करते हैं? आरएनए सिंथेसिस, डीएनए एम्प्लीफिकेशन, प्रोटीन सिंथेसिस या अमीनो एसिड सिंथेसिस? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन इज यूजफुल इन, पीसीआर किस में यूजफुल होता है? यस, पीसीआर की बेटा हम बात करें तो ये डीएनए एम्प्लीफिकेशन में। 206 बच्चों ने सही आंसर किया है, 28 बच्चों ने गलत आंसर किया। डीएनए एम्प्लीफिकेशन का मतलब है डीएनए की कॉपीज बनाने में ये हेल्प करता है।
चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप आर कैटलाइज बाई टैग पॉलीमरेज इन ए पीसीआर। टैग पॉलीमरेज एक डीएनए पॉलीमरेज है और ये किस स्टेप को कैटलाइज करता है ये आपको बताना है। ऑल भी दिया गया है बेटा, लेकिन ध्यान से करिएगा। तीन स्टेप आप पढ़ते हैं, एनिलिंग, डीनेचुरेशन, एक्सटेंशन। तो टैग पॉलीमरेज जो कि डीएनए पॉलीमरेज है ये एक्सटेंशन स्टेप को कैटलाइज करता है। सी ऑप्शन करेक्ट है। और 86 बच्चों ने ऑल किया, इन्होंने तुक्का लगाया, ऑल देख के इन्होंने आंसर किया है। मैक्सिमम बच्चे 86 पे गए बेटा। टैग पॉलीमरेज केवल एक्सटेंशन करता है प्राइमर का, 74 बच्चे केवल कर पाए हैं। 150 बच्चों ने गलत किया और केवल 75 बच्चे सही कर पाए यहाँ पर। तो चलिए अब लीडर बोर्ड देखते हैं। रुखसाना टॉप पर अभी भी मुझे लगता है मेंटेन है, यस। देन नीलोफर, अरबाज, पीहू, अभी, आनंद, स्तुति, शुभम, जिज्ञासा, संस्कार और प्रियंका। तो जिज्ञासा और प्रियंका पटेल की यहाँ पर एंट्री हो रही है और कुछ बच्चे लीडर बोर्ड से गायब भी हो गए हैं। चलिए, ए स्टिर टैंक बायोरिएक्टर इज यूजुअली सिलेंड्रिकल और विद ए कर्व बेस टू फैसिलिटेट द स्टिर टैंक बायोरिएक्टर। याद करिए, कल ही क्रैश कोर्स बेटा, केवल आधे घंटे का क्रैश कोर्स था, उसमें सारी चीजें मैंने बताई थी। स्टिर टैंक बायोरिएक्टर ऑल भी दिया गया है, तो ध्यान से करिएगा बेटा। प्रीति, सरिता, आप सब लोग गलत कर रहे हो बेटा। आदित्य, लवली, सब लोग गलत कर, रुचि, पीहू, रीता, जितने बच्चे डी कर रहे हैं सब गलत कर रहे हैं बेटा। 72 बच्चों ने सही किया बेटा। स्टिर टैंक बायोरिएक्टर का जो सिलेंड्रिकल या कर्व बेस होता है बेटा, वो मिक्सिंग के लिए होता है, टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए वो सिलेंड्रिकल नहीं बनाया जाता है। केवल 72 बच्चों ने किया है, 140 बच्चों ने तुक्का लगाया, ऑल किया है। तो 218 में से केवल 72 बच्चे कर पाए हैं, 150 बच्चों ने गलत किया बेटा। मिक्सिंग के लिए कर्व बेस या सिलेंड्रिकल होते हैं ये, क्लियर। बहुत गलती आप कर रहे हो इसमें, बायोटेक है बेटा ये, इन पीसीआर। 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं आपके नीट में बायोटेक से। इन पीसीआर डीएनए इज एम्पलीफाइड अबाउट 10^9। ये बेटा 10^9 होगा, ठीक है। यहां पर 109 लिख गया, 10^9 यानी आप कह सकते हैं कि 10^9 टाइम अगर एम्पलीफाई हो रहा है तो आपको ये बताना है कि साइकिल कितनी बार रिपीट की जाएगी। साइकिल कितनी बार रिपीट की जाएगी ये आपको बताना है, 30 टाइम रिपीट की जाएगी। अगर 30 टाइम साइकिल को रिपीट करेंगे तो बेटा ये आपका एम्पलीफिकेशन होगा कितना, 10^9। आंसर ए ही होगा यहाँ पर, ये बेटा मिसप्रिंट हो गया कुछ यहाँ पर, 30 टाइम ही होगा आंसर यहाँ पर। 122 बच्चों ने सही किया है और करीब 80 बच्चों ने गलत किया है यहाँ पर। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। बेटा ए ही आंसर होगा इसका, ठीक है, और इससे रैंक में कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि जितने भी अच्छे बच्चे जिन्होंने सही आंसर किया सबका गलत हुआ होगा, तो इससे रैंक पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, परेशान मत होइएगा। हाँ, ए ही होगा बेटा, राज, ए ही होगा इसका आंसर। चलिए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व सेवरल स्टेप। बेटा 7 स्टेप होते हैं, कल ही मैंने क्रैश कोर्स में आपको बताया था, और इनका करेक्ट सिक्वेंस आपको बताना। मैंने सिक्वेंस 1, 2, 3, 4 लिख के आपको बताया था, करेक्ट सिक्वेंस, जल्दी से आंसर करेंगे। चलिए, बहुत सारे बच्चे आंसर ही नहीं कर पाए, 112 बच्चों ने सही आंसर किया है और करीब 80 बच्चे यहां पर आंसर नहीं कर पाए हैं। तो ये सिक्वेंस बेटा आप देख लीजिएगा। वैसे 25 सेकंड का टाइम थोड़ा सा कम था इस क्वेश्चन के लिए, लेकिन इस क्वेश्चन के लिए पर्याप्त टाइम है। विच इज यूज फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ एलियन डीएनए इन टू द एनिमल सेल। अगर एनिमल सेल में हम फॉरेन डीएनए को इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं तो कौन सा तरीका यूज कर सकते हैं। बोथ भी दिया गया है बेटा, ध्यान से करिएगा, बोथ ऑप्शन दिया गया है, लेकिन ध्यान से करिएगा, बोथ ऑप्शन, यस। चलिए, 136 बच्चों ने सही किया, 53 बच्चों ने बोथ कर दिया बेटा। देखिए, बायोलिस्टिक का जो मेथड होता है प्लांट सेल के लिए यूज करता है, एनिमल सेल के लिए रेट्रोवायरस का यूज करते हैं या माइक्रो इंजेक्शन का यूज करते हैं। तो 136 बच्चों ने सही किया है और यहां पर करीब करीब 80 बच्चों ने गलत भी किया है। क्वेश्चन नंबर 20, ये फिगर आपको पहचाना था, फॉलोइंग फिगर शोज। ये फिगर मैंने खास तौर से आपको पढ़ाया था क्रैश कोर्स में कि ये फिगर क्या इंडिकेट कर रहा है। एनटीए का बेटा एक टेस्ट पेपर भी अपलोड हो जाएगा अभी, तो उसको भी जरूर करिएगा, और अगले चैप्टर का क्रैश कोर्स भी आज अपलोड हो जाएगा, ठीक है।
फॉलोइंग फिगर शोज, ये फिगर क्या इंडिकेट कर रहा है? इल्यूजन, स्पूलिंग, पायलिस्टिक या डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग? ये फिगर इंडिकेट कर रहा है बेटा स्पूलिंग नाम के प्रोसेस को। अभी मैंने थ्योरी में पूछा था और ये फिगर 183 बच्चों ने सही आंसर किया है और करीब 25 बच्चों ने गलत किया। ये स्पूलिंग का स्टेप है। तो चलिए देखते हैं। देखिए टॉपर में सारे बच्चों ने यहां पर आंसर सही किया था उस क्वेश्चन का जो गलत हुआ था, इसलिए बहुत चेंजेस नहीं है। नीलोफर टॉप पे है, देन रुखसाना, अरबाज, और केवल एक पॉइंट का अंतर है दोनों में। इन दोनों रैंक में केवल एक पॉइंट का डिफरेंस है। नीलोफर, रुखसाना, अरबाज, अवि आनंद, पिहू, स्तुति, प्रियंका, संस्कार, शुभम और मोहित, ये है लीडर बोर्ड में टॉप पे। चलिए, पीसीआर टेक्निक वाज इन्वेंटेड बाय, ये एनसीईआरटी के बाहर का क्वेश्चन है। पीसीआर टेक्निक का इन्वेंशन किसने किया था ये आपको बताना है। बोयर ने, कैरी मुलिस ने, कोहन ने या सैंगर ने? पीसीआर टेक्निक वाज इन्वेंटेड बाय, अगर पता नहीं है दिमाग लगाओगे तो फिर गलत ही होगा ये, क्योंकि दिमाग लगाने पे आपका दिमाग किधर जाएगा। पीसीआर टेक्निक का इन्वेंशन किया गया था कैरी मुलिस नाम के साइंटिस्ट के द्वारा। देखते हैं 203 में से 183 बच्चों ने सही भी किया, वेरी गुड। 20 बच्चों का केवल गलत है, बाकी सारे बच्चों ने सही किया। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22। टीनू बेटा नहीं, वीडियो सेव क्यों नहीं होगी? सेव हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 22 में आपसे पूछा था सोर्स ऑफ टैग पॉलीमरेज। तो बेटा टैग पॉलीमरेज थर्मोफिलिक बैक्टीरिया से निकाला गया, जिसका नाम थर्मस एक्वेटिकस है। 191 बच्चों ने सही किया है, केवल 13 बच्चों का आंसर गलत है यहां पर। क्वेश्चन नंबर 23, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, जल्दी से बताएंगे इनकरेक्ट स्टेटमेंट यहां पर कौन सा है। एक ऑल ऑप्शन भी दिया गया है, तो ध्यान से करिएगा बेटा इनकरेक्ट स्टेटमेंट। चार ऑप्शन पढ़ेंगे उसके बाद करिएगा, ऑल बस आंसर मत करिएगा। तीनों बेटा वीडियो सेव होगी, ठीक है, परेशान मत होइए, वीडियो सेव रहेगी यूट्यूब पे, ठीक है, आप देख सकते हो। तो यहाँ पर बेटा देखिए 42 बच्चों ने ऑल कर दिया, 91 बच्चों ने सही किया है, ऑप्शन एक गलत था इसमें। क्या पूछा गया था? कहा गया था ये फॉरेन डीएनए कैन बी लाइकेटेड एट बाम H1 साइट ऑफ एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट जीन। बेटा बाम H1 साइट जो है वो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन पर है, इसलिए ऑप्शन इनकरेक्ट था। तो 172 में से 91 बच्चों ने सही किया है और करीब 80 बच्चों ने गलत किया है। क्वेश्चन नंबर 24, न्यूक्लिक एसिड इज फ्रेगमेंटेड बाई एंजाइम, न्यूक्लिक एसिड को किस एंजाइम के द्वारा डाइजेस्ट किया जाता है? बहुत आसान सा क्वेश्चन है। न्यूक्लिक एसिड के लिए आप देखिए लाइगेज, प्रोटीएज, न्यूक्लिएजेस, पॉलीमरेजेस, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। न्यूक्लिक एसिड का फ्रेगमेंटेशन किस एंजाइम के द्वारा किया जाता है? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, देखते हैं कितने बच्चे कर पाते हैं। 203 में से 182 बच्चों ने सही किया। बेटा बहुत आसान, न्यूक्लिक एसिड के लिए न्यूक्लियस एंजाइम होता है, जो कि दो तरह के होते हैं, एक्सो न्यूक्लियस और एंडो न्यूक्लियस। उसके बावजूद 20 बच्चों ने गलत किया, 21 बच्चों ने करीब गलत किया है। क्वेश्चन नंबर 25, टी आई प्लाज्मिड ट्रांसफॉर्म सेल्स ऑफ, टी आई प्लाज्मिड किस सेल को ट्रांसफॉर्म करता है? एनिमल सेल को, प्लांट सेल को, बैक्टीरियल सेल को या फिर फंजाई को? टी आई प्लाज्मिड, बच्चों ने सही किया बेटा, टी आई प्लाज्मिड प्लांट सेल को ट्रांसफॉर्म करता है, 30 बच्चों ने गलत किया है। टी आई प्लाज्मिड
प्लांट सेल में जीन को ट्रांसफर करने के लिए यूज किया जाता है, और एनिमल में रेट्रोवायरस, क्रैश कोर्स मेटा, ये सब खूब डिटेल में मैंने आपको बताया है। अभी टॉप पे नीलोफर ही हैं, देन अरबाज सेकंड नंबर पे हैं, स्तुति थर्ड नंबर पे हैं, देन प्रियंका, रुक्षाना पांचवें नंबर पे आ गई, अवि आनंद, पीहू, संस्कार, शुभम और मोहित मिश्रा। चलिए 50% क्वेश्चन हम कर चुके हैं बेटा, 25 क्वेश्चन हो चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 26 आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, चलिए देखिए जरा। हाँ बेटा, ये मिट्टी थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है, शायद आंधी वाँधी आ रही है, इसकी वजह से हो सकता है ना, तो अभी सही हो जाएगा। कितने कितने रैंक पे हैं आप एक बार जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। सौरभ की 33 रैंक है, प्रशांत की 26 रैंक है। बेटा बफरिंग नहीं हो रही है, मिट्टी दिक्कत कर रहा है केवल, ठीक है। राधा की 50 रैंक है, शिखा की 14 रैंक है, फातिमा की 16 रैंक है, आदित्य की 99 रैंक है, आदित्य आर की 21 रैंक है। चलिए क्वेश्चन आ गया बेटा 26, करिए जल्दी से आप इसे। फॉर लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन द मोस्ट कॉमनली यूज्ड बायो रिएक्टर, और ऑफ सबसे कॉमन बायो रिएक्टर कौन से यूज किए जाते हैं। लार्ज स्केल प्रोडक्शन के लिए सबसे कॉमन बायोरिएक्टर कौन से यूज किए जाते हैं ये आपको बताना है। बोथ भी दिया गया बेटा, लेकिन ध्यान से करेंगे, सबसे कॉमन बायोरिएक्टर स्टीरिंग टाइप के होते हैं। चलिए खैर, बोथ तो यहाँ पर दो ही बच्चों ने किया है, 103 बच्चों ने सही आंसर किया बेटा, स्टीरिंग टाइप, सीधे एनसीईआरटी की लाइन है, सबसे कॉमनली यूज बायोरिएक्टर स्टीरिंग टाइप के होते हैं, 103 बच्चों ने सही किया है, करीब 92 बच्चों ने यहाँ पर गलत किया है। चलिए अगला सवाल बता चुका है, क्वेश्चन नंबर 27। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी सेलेक्टेड फॉर बेस्ट यील्ड इफ वी वांट टू प्रोड्यूस ए रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन इन लार्ज अमाउंट। अगर लार्ज अमाउंट में हम प्रोटीन को प्रोड्यूस करना चाहते हैं बेटा, ये बायोटेक है, इसमें अगर आप सही से रिवाइज नहीं करेंगे तो फिर आप कर नहीं पाएंगे, तो इसके लिए हम यूज करते हैं कंटिन्यूअस कल्चर सिस्टम का। 113 बच्चों ने सही किया, 23 बच्चों ने एनी आंसर कर दिया है, तो बेटा 113 बच्चों ने जो कंटिन्यूअस कल्चर सिस्टम किया एकदम सही है, लेकिन 90 बच्चों ने करीब गलत आंसर भी यहां पर किया है। क्वेश्चन नंबर 28, कंस्ट्रक्शन ऑफ द रिकॉम्बिनेंट डीएनए इन्वॉल्व, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को बनाने के लिए हम क्या करते हैं। चार ऑप्शन दिए गए हैं, ध्यान से पढ़िएगा, किससे कट करते हैं और किससे जोड़ते हैं, यह आपसे पूछा गया है। आसान है क्वेश्चन, वैसे ध्यान दोगे आप तो आसानी से कर लोगे। रिकॉम्बिनेंट डीएनए को बनाने के लिए बेटा रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से कट करते हैं और डीएनए लाइगेज से ज्वाइन करते हैं, तो बहुत आसान सा सिंपल सा क्वेश्चन था, और यहां पर 155 बच्चों ने कर भी लिया है, लेकिन करीब 41 बच्चों ने गलत भी किया। यहां पर काटने के लिए एंडोन्यूक्लियेज होता है और जोड़ने के लिए लाइगेज होता है, बहुत बेसिक सी बात है। आइडेंटिफाई द वेक्टर सुटेबल फॉर क्लोनिंग लॉन्ग डीएनए फ्रेगमेंट, लॉन्ग डीएनए फ्रेगमेंट, ये एनसीईआरटी में बेटा नहीं दिया गया है, लेकिन आप याद कर लीजिएगा अगर आपको नहीं पता है। देखिए, अगर शॉर्ट डीएनए फ्रेगमेंट हो तो उसके लिए प्लाज्मिड यूज करते हैं, और लॉन्ग डीएनए फ्रेगमेंट हो तो उसके लिए कॉस्मिड का यूज करते हैं। 83 बच्चे कर पाए यहाँ पर, 83 बच्चों का आंसर सही है यहाँ पर बेटा,
और करीब 117 बच्चों ने गलत किया है। सॉल्ट के लिए प्लाज्मिड, लॉन्ग के लिए कॉस्मिड का यूज करते, ये हो सकता है कि आपके लिए नया हो क्योंकि एनसीईआरटी में आपको नहीं दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 30, ए रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल कैन बी प्रोड्यूस्ड इन द एब्सेंस ऑफ द फॉलोइंग, किसके बिना रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया जा सकता है। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज, डीएनए लाइगेज, डीएनए फ्रेगमेंट, ई कोलाई। रिकॉम्बिनेंट डीएनए को बनाने के लिए किसकी जरूरत नहीं है? तो बेटा रिकॉम्बिनेंट डीएनए को बनाने के लिए हमें ई कोलाई की जरूरत नहीं है, डीएनए के फ्रेगमेंट चाहिए, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज काटने के लिए चाहिए और जोड़ने के लिए लाइगेज चाहिए। तो ई कोलाई हो या ना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 50 बच्चों ने यह भी गलत किया है। तो लीडर बोर्ड क्या कह रहा है देखते हैं। यहां पर लीडर बोर्ड में अभी भी अबरबाज टॉप पे आ चुके हैं, नीलोफर अब सेकंड नंबर पे हैं, देन स्तुति, रुक्शाना, प्रियंका, पीहू, शुभम, मोहित मिश्रा, अनुष्का शुक्ला और शिखा त्रिपाठी। ये है लीडर बोर्ड की कहानी। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, फाइंड द करेक्ट मैच फॉर द ब्रेकिंग ऑफ द सेल वॉल ड्यूरिंग आइसोलेशन ऑफ, फिर से हाँ बेटा मेंटली पे थोड़ा सा दिक्कत हो रही है आज, थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है। चलो करवा तो देंगे क्वेश्चन बेटा, कभी कभी होता है ऐसा। वैसे 35 क्वेश्चन के बाद दिक्कत करता था, लेकिन आज तो जल्दी दिक्कत कर रहा है। चल जाओ बेटा चल जाओ, चलो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 आ गया बेटा। फाइंड द करेक्ट मैच फॉर द ब्रेकिंग ऑफ सेल वॉल ड्यूरिंग आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्रोसीजर, कौन सा यहां पर करेक्ट आपको बताना है। ऑल भी दिया गया बेटा, ध्यान से करिएगा ठीक है, ऑल भी ऑप्शन आपको दिया गया लेकिन ध्यान से करिएगा। पहला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा, अगर हम सेलुलेज की बात करते हैं तो प्लांट के लिए बेटा यूज करते हैं। 35 बच्चों ने देखो ऑल कर दिया यहाँ पर, जबकि आपको लाइसोजाइम बेटा बैक्टीरिया के लिए यूज करते हैं और काइटनेस फंजाई के लिए यूज करते हैं। 126 बच्चों का आंसर सही है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 32, ये भी बेटा फिगर बेस्ड क्वेश्चन है, और उसके पहले मेंटी सेंटी हो गया बेटा, क्या किया जाए, क्वेश्चन करा दें या छोड़ दें आज, क्योंकि तो हर क्वेश्चन के बाद दिक्कत कर रहे हैं। 35 बच्चे महान हैं। चलो खैर आ गया क्वेश्चन, मेंटी दिक्कत ना करे तो 50 क्वेश्चन 40 मिनट में किए जा सकते हैं आसानी से। रिकॉग्नाइज द फिगर एंड फाइंड आउट द करेक्ट मैचिंग, चलिए जल्दी से मैचिंग करिएगा। दो फिगर आपको दिए गए, ये ए फिगर आपको दिया गया और ये बी दिया गया है, तो ए और बी आपको पहचानना। कल मैंने आपको क्रैश कोर्स में ये डिटेल में बताया था दोनों फिगर,
ए क्या है बेटा, ए है सिंपल टैंक का बायोरिएक्टर और बी क्या है स्पार्स। तो सी ऑप्शन करेक्ट है, 136 बच्चों ने सही किया है। चलो खैर अभी तो ठीक चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 33, हाँ ठीक है। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज यूज्ड वाइडली इन आरडीटी आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम। बेटा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम को कहां से ऑब्टेन किया जाता है? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम जैसे इको आर वन है, इन्हें कहां से ऑब्टेन किया जाता है ये आपको बताना है। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम को कहां से ऑब्टेन किया जाता है? चलिए बैक्टीरिया से बेटा इन्हें ऑप्टेन किया जाता है, ऑप्शन टू करेक्ट होगा। कितने बच्चों ने, 110 बच्चों ने सही किया है और 25 बच्चों ने सभी प्रोकैरियोटिक सेल आंसर किया। बेटा जितने भी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम होते हैं वो केवल बैक्टीरिया से ऑप्टेन किए जाते हैं, वो भी सारे बैक्टीरिया से नहीं मिलते हैं, कुछ बैक्टीरिया से रिस्ट्रिक्शन एंजाइम निकाले गए हैं। 900 से ज्यादा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को ऑप्टेन किया गया बैक्टीरिया से। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम बिलोंग टू ए लार्जर क्लास ऑफ एंजाइम कॉल्ड। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम किस क्लास से बिलोंग करते हैं? चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, आपको बताना है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम किस क्लास से बिलोंग करते हैं। बेटा रिवाइज करते रहिए, रिवाइज नहीं करेंगे तो पढ़ने का कोई बेनिफिट मिलेगा नहीं। केवल क्वेश्चन करने से, केवल रिवाइज करने से नहीं होगा, ठीक, दोनों चीजें आपको करनी, थ्योरी भी करना है क्वेश्चन भी करने हैं। 139 बच्चों ने सही किया है, यहाँ पर न्यूक्लियस से बिलोंग करते हैं। बेटा 35 बच्चों ने पॉलीमरेज बता दिया। बेटा जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है वो न्यूक्लियस के क्लास से बिलोंग करते हैं, जो कि दो तरह के होते हैं, एक्सो न्यूक्लियस एंड एंडो न्यूक्लियस। चलिए अगला क्वेश्चन है, पीसीआर प्रोसीड इन 3 डिस्टिंक्ट स्टेप गवर्न बाय टेम्परेचर, दे आर इन ऑर्डर ऑफ। पीसीआर में ऑर्डर पूछा गया, क्या ऑर्डर होता है? एक्सटेंशन को बेटा यहां पर सिंथेसिस लिखा गया है, ठीक है, तो डी ऑप्शन होगा। डीनेचुरेशन पहले करते हैं, फिर एनिलिंग करते हैं और फिर एक्सटेंशन या सिंथेसिस। 158 बच्चों ने एकदम सही किया और ये लीडर बोर्ड आपका आ गया है। 15 क्वेश्चन और करने बेटा हमें, ठीक है। चलिए अरबाज ने सबसे फास्टेस्ट आंसर किया है, उसके बाद स्तुति दूसरे नंबर पे है, देन रुक्शाना, नीलोफर, शुभम, प्रियंका, मोहित, पीहू, शिखा और अनुष्का शुक्ला, ये लीडर बोर्ड है। चलिए अगले 15 क्वेश्चन के बाद आज का टॉपर डिसाइड होगा। क्वेश्चन नंबर 36, इन पीबीआर 322 हाउ मेनी रिकग्निशन साइट आर प्रेजेंट। पीबीआर 322 जो प्लाज्मिड इसका फिगर एनसीईआरटी ने दिया है, उसमें कितनी रिकग्निशन साइट पाई जाती हैं ये आपको बताना है। कितनी रिकग्निशन साइट प्रेजेंट होती हैं पीबीआर 322 में? क्वेश्चन नंबर 36, 8 रिकग्निशन साइट बेटा पाई जाती है, आप जाके काउंट कर सकते हैं, मैंने आपको ये क्रैश कोर्स में भी बताया है। तो 121 बच्चों ने सही जवाब यहां पर दिया है बेटा और बाकी करीब 65 बच्चों ने गलत जवाब दिया है। 8 रिकग्निशन साइट पाई जाती हैं, जैसे इको आर वन हो गया, बाम एच वन हो गया, साल वन हो गया, पीएसटी वन हो गया, पीवीयू वन हो गया, है ना, ये सब हिंडी 3 हो गया, इन सबकी रिकग्निशन साइट यहाँ पर पाई जाती है। 8 अलग अलग एंजाइम की साइट पाई जाती हैं। 37, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज पॉपुलराइज द पीसीआर, पीसीआर टेक्निक किस वजह से पॉपुलर हुआ? ऑल भी दिया गया है बेटा, ध्यान से करो। सोनाली आपने गलत कर दिया बेटा, आदित्य ने डी कर दिया, श्वेता ने डी कर दिया, सौरभ ने डी कर दिया जो कि गलत है, 73 बच्चों ने सी कर दिया, लेकिन सही आंसर है यहाँ पर ए, अवेलेबिलिटी ऑफ थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमर, थर्मस एक्वेटिकस की वजह से पीसीआर पॉसिबल हो पाया, तो उसी की वजह से पॉपुलर हुआ। 80 बच्चों ने गलत किया है, 103 बच्चे सही कर पाए हैं। क्वेश्चन नंबर 38, Which is used as a cloning vector into plant? फिर से वही क्वेश्चन आ गया, प्लांट में क्लोनिंग वेक्टर के तौर पे किसका यूज करते हैं? ये बार बार मैंने क्रैश कोर्स में बताया था कि प्लांट के लिए कौन होता है, एनिमल के लिए कौन होता है, तो जल्दी से पहचानो। बोथ ऑप्शन दिया गया है बेटा, अब बोथ तो खतरनाक हो जाता है आपके लिए।
चलिए बेटा, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस या टीआई प्लाज्मिड का यूज करते हैं। जो बेटा माइक्रो इंजेक्शन और रेट्रोवायरस वो एनिमल के लिए यूज करते हैं, प्लांट के लिए टीआई प्लाज्मिड का यूज करते हैं। 144 बच्चों ने सही किया और 40 बच्चों ने गलत जवाब दिया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। आफ्टर द बायोसिंथेटिक फेज द प्रोडक्ट इज सेपरेटेड एंड प्योरिफाइड बाय द प्रोसेस कॉल्ड। बहुत आसान सा क्वेश्चन और नीट में खूब आपसे कई बार पूछा गया है। बायोसिंथेटिक फेज के बाद जो सेपरेशन और प्यूरिफिकेशन होता है दैट इज नेम्ड एज। बहुत बेहतरीन सवाल है, खूब पूछा जाता है। तो यहां पर ये देखिए 150 बच्चों ने सही किया है। बेटा ये जो डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग होता है इसका यूज करते हैं। 33 बच्चों ने गलत किया। क्वेश्चन नंबर 40। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। करेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है। कौन सा स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है ये आपको बताना है। तो बेटा यहां पर जो स्टेटमेंट दिए गए इनमें से कोई भी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। तो 100 बच्चों ने गलत किया है, बाकी 76 बच्चे केवल सही कर पाए हैं। यहां पर सारे स्टेटमेंट गलत थे, सारे स्टेटमेंट गलत थे। पहले ऑप्शन में होमोलॉगस लिखा हुआ था, हेट्रोलॉगस होना चाहिए था। दूसरे ऑप्शन में आपसे पूछा गया था वन सेट ऑफ प्राइमर, जबकि टू सेट ऑफ प्राइमर का यूज किया जाता है। और टैग पॉलीमरेज के बारे में लिखा था साइनोबैक्टीरिया, जबकि इसे बैक्टीरिया सॉफ्टवेयर करते। तो सारे स्टेटमेंट गलत थे। अभी भी अरबाज टॉप पे हैं, देन स्तुति, रुक्षार, नीलोफर, शुभम, मोहित, प्रियंका, पीहू, अनुष्का और होमर अब यहाँ पर एंट्री कर रहे हैं लीडर बोर्ड में। चलिए 10 क्वेश्चन और यहाँ पर बचे हैं, लेकिन उसके पहले ही मिंटी थोड़ा सा सेंटी हो गया है। चलिए देखते हैं जरा क्या दिक्कत इसको आज हो गई है। मिंटी मुझे लग रहा है शाम को दिक्कत करता ही है क्या। दोपहर में कराई जाए क्या मिंटी। लाइव कर दे। अच्छा चलिए देखते हैं बेटा, एकदम देख लेते हैं। विच इज करेक्टली मैच्ड, इसमें से करेक्टली मैच पेयर आपको बताना है। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस ट्यूमर कॉज करता है, और यही सही स्टेटमेंट है। 155 बच्चों ने सही किया। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस में टीआई प्लाज्मिड पाया जाता है, जो कि डाइकॉट प्लांट में ट्यूमर कॉज करता है। क्राउन गॉल डिजीज कहा जाता है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है 42। जीन एम्प्लीफिकेशन यूजिंग प्राइमर्स कैन बी डन बाई। जीन एम्प्लीफिकेशन यूजिंग प्राइमर्स कैन बी डन बाई। कैसे जीन या डीएनए को एम्प्लीफाई किया जाता है। अभी अभी आपने क्वेश्चन किया था कैसे एम्प्लीफिकेशन करते हैं। यस दैट इज पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के द्वारा एम्प्लीफिकेशन किया जाता है। 158 बच्चों ने सही किया, 20 बच्चों ने केवल गलत किया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 पे हम पहुंच रहे हैं बेटा। एंजाइम रिक्वायर्ड फॉर पीसीआर इज। पीसीआर में किस एंजाइम की रिक्वायरमेंट होती है, आज ही हमने कई बार इसको डिस्कस किया है। पीसीआर में किस एंजाइम की रिक्वायरमेंट होती है। क्वेश्चन नंबर 43 जल्दी से आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 43 के लिए सबसे आसान सवाल है ये, पीसीआर में कौन सा एंजाइम रिक्वायर्ड होता है। अच्छा रागिनी कह रही सर अपनी क्लास की टाइम फिजिक्स एक्सचेंज कर दीजिए। ठीक है बेटा देख लेते हैं, अगर मेंटी दिक्कत करेगा। हाँ टैग पॉलीमरेज हो जाएगा। 167 बच्चों ने सही किया है, 15 बच्चों ने गलत किया इसे। बायो रिएक्टर आर यूजफुल इन, बायो रिएक्टर आर यूजफुल इन जल्दी से बताएंगे। बायो रिएक्टर आर यूजफुल इन, मतलब बायो की क्लास 2.5 से 4.5 रखी जाएगा या 3 से 5।
डॉक्यूमेंट्री दिक्कत कर रहा है इसमें। बायो रिएक्टर के द्वारा हम लार्ज वॉल्यूम में कल्चर की प्रोसेसिंग करके बहुत सारा प्रोडक्ट बना सकते हैं। 152 बच्चों ने सही आंसर किया है। चलिए अगला है, थर्मोस्टेबल एंजाइम डैक पॉलीमरेज एंड PFU, ये भी पॉलीमरेज होता है, आइसोलेटेड फ्रॉम थर्मोफिलिक बैक्टीरिया आर। तो बेटा जो टैग एंजाइम है, टैग ये किसका एग्जाम्पल है? डीएनए पॉलीमरेज का, डीएनए लाइगेज का, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज का, या आरएनए पॉलीमरेज का? ध्यान से टैग का पूरा नाम आप सोचोगे तो अपने आप आंसर आपको मिल जाएगा। बेटा अमित, सी आंसर नहीं होगा जैसे आप कर रहे हो। बेटा टैग पॉलीमरेज है तो ये डीएनए पॉलीमरेज का एग्जाम्पल। देखिए 31 बच्चों ने टैग पॉलीमरेज को क्या आंसर बताया है, टैग पॉलीमरेज को इन्होंने रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज बता दिया। बेटा टैग पॉलीमरेज एक डीएनए पॉलीमरेज का एग्जाम्पल है। 141 बच्चों ने सही किया और 41 बच्चों ने गलत भी किया है। चलिए तो सेकेंड लास्ट लीडर बोर्ड बेटा आ रहा है यहाँ पर, लेकिन अभी 5 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। मेंटी दिक्कत कर रहा है। अच्छा, जो क्लासेस की टाइम पहले थी वही कर दे बायो की। चलो ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। अरे फिजिक्स में फिर दिक्कत होती है। चलो कुछ प्लान करते हैं बेटा, इसको कुछ ना कुछ प्लान करते हैं। चलो कल देखते हैं बेटा इसको। चलो तो अरबाज टॉप पे है अभी भी, स्तुति है सेकंड पोजीशन पे, देन नीलोफर, शुभम, रुक्षाना, पिहू, प्रियंका, मोहित, होमर और अनुष्का। तो अब आखिरी के 5 सवाल बेटा और फाइनल, फिर हमें एक टॉपर मिलेगा आज का, क्वेश्चन नंबर 46। अभी तो अरबाज टॉप पे है, स्तुति सेकंड नंबर पे है और नीलोफर थर्ड पे है। देखते हैं कौन टॉपर होता है, अरबाज, स्तुति या नीलोफर। क्वेश्चन नंबर 46, ए टिपिकल बायो रिएक्टर हैज। एक टिपिकल बायोरिएक्टर में क्या क्या चीजें होती हैं? एजिटेटर सिस्टम, ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम, फॉर्म कंट्रोल सिस्टम, टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम, पीएच कंट्रोल सिस्टम, सैम्पलिंग पोर्ट। क्या क्या चीजें पाई जाती हैं? तो बेटा इनमें से सारी चीजें होती हैं, तो आपका आंसर डी हो जाएगा ऑल। 135 बच्चों ने सही किया और 35 बच्चों ने गलत किया है। सारी चीजें बेटा होती हैं इसमें से, आपको ऑल आंसर करना था, ए बी सी डी ई एफ। तो 6 चीजें बताई गई थी, सारी चीजें प्रेजेंट होती। 47, विच इज करेक्ट रिगार्डिंग जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन यूजिंग ई कोलाई। ई कोलाई का यूज करके जो जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन बनाया जाता है उसके लिए कौन सी बात सही है? ये वैसे आज मैं क्रैश कोर्स जो अपलोड करूंगा उसमें आपको मिलेगा, है ना? हाँ ठीक बेटा, टाइमिंग देख लेते हैं। पुराना ही आर्यमान भी कह रहे हैं कि पुरानी टाइमिंग, सिराज भी कह रहे हैं ठीक है। निलोफर कह रही है कि 0.7 सेकेंड में आंसर करती हूँ। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, टाइमिंग की दिक्कत है। हाँ ठीक, देख लेते हैं बेटा, परेशान मत होइए ठीक है। तो ऑप्टेन इन लार्ज अनलिमिटेड क्वांटिटीज, तो 66 बच्चों ने सही किया, करीब 100 बच्चों ने गलत किया यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 48 पे हम पहुंच चुके हैं, द सेपरेटेड बैंड ऑफ डीएनए आर कट आउट फ्रॉम द एग्रो जेल एंड एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द जेल पेज, दिस स्टेप इज कॉल्ड। इस स्टेप को क्या कहते हैं? सेपरेटेड बैंड ऑफ डीएनए आर कट आउट फ्रॉम द एग्रो जेल एंड एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द जेल पेज, दिस स्टेप इज कॉल्ड। इस स्टेप को क्या कहा जाता है? गोल्ड इज गोल्ड।
इल्यूजन, इस प्रोसेस को बेटा इल्यूजन कहा जाता है। इलेक्ट्रोफोरेसिस में इल्यूजन के द्वारा हम डीएनए को कटआउट करके निकालते हैं। 66 बच्चों ने गलत किया है बेटा। बायोटेक में तुम लोगों की हालत बहुत खराब हो गई, बहुत नाजुक हालात हैं तुम लोगों के। स्मॉल केमिकली सिंथेसाइज्ड ऑलिगो, तुम लोगों ने छुट्टी ज्यादा मुझे लग रहा मना ली है ना। 2-3 दिन आपकी क्लास हुई नहीं इधर, सैटरडे संडे मंडे है ना, तो तुम लोगों ने ज्यादा छुट्टियां कर ली। स्मॉल केमिकली सिंथेसाइज ऑलिगो न्यूक्लियोटाइड दैट आर कॉम्प्लीमेंट्री टू द रीजन ऑफ डीएनए आर कॉल्ड प्राइमर एंड प्रेजेंट एट। प्राइमर को किस एंड पे जोड़ा जाता है, प्राइमर को किस एंड पे जोड़ते हैं? अगर आपने क्रैश कोर्स पढ़ा होगा तो आप बता पाएंगे। प्राइमर को 3 प्राइम एंड पे जोड़ते हैं। 89 बच्चे आंसर कर पाए, 80 बच्चों ने गलत किया है। एंड लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आने जा रहा है, इसके बाद फाइनल लीडर बोर्ड आएगा। सिग्निफिकेंस ऑफ हीट शॉक इन बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन इज टू फैसिलिटेट, ठीक है? सिग्निफिकेंस ऑफ हीट शॉक, बेटा यहाँ पर जो आंसर होगा ये मिसप्रिंट हो गया मेंटी में। 59 बच्चों का आंसर सही है। बेटा जब कैल्शियम से हम ट्रीट करेंगे बैक्टीरिया को तो सेल वॉल के अंदर एंटर कर जाएगा। फिर ये 59 बच्चों ने जो सी ऑप्शन किया, अपटेक द डीएनए थ्रू मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, यही ऑप्शन सही है, ठीक है? तो 59 बच्चों का सही, 50 का सी आंसर करेक्ट होगा। और यहाँ पर 100 बच्चों ने गलत किया है, ठीक? जिन्होंने केवल रट रखा उन्होंने गलत किया है। और यहाँ पर चलिए देखते हैं क्या चेंजेस हो रहे हैं। तो अरबाज आज टॉप पे हैं, देन शुभम, स्तुति, रुक्षाना, निलोफर, मोहित, पीहू, अनुष्का, प्रियंका एंड होमर। ये आज की कहानी बेटा, ठीक है? अच्छा 81 सही हो गए, आगे निकल गए। हाँ थोड़ा सा ये हो सकता है कि थोड़ा सा चेंज, जैसे अरबाज ने ये वाला क्वेश्चन डी किया था, सही हो गया है ना। तो इसमें मैं ये कर सकता हूँ कि जो टॉप 3 है ना उनको मैं टॉपर बना सकता हूँ, है ना? शुभम, स्तुति और अरबाज, तीनों को मैं टॉपर घोषित कर सकता हूँ। तीनों को प्राइज मिलना चाहिए, है ना? क्योंकि ये क्वेश्चन स्तुति ने सही किया तो इनका गलत हो गया, जबकि सी आंसर ही यहाँ पर करेक्ट था, ठीक है? रागिनी की 47th रैंक है। हाँ अरबाज प्राइज मिलेगा बेटा, 100 रुपये बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल, ठीक है? व्हाट्सएप पे आप सेंड कर दीजिएगा, ठीक है? 435 टोटल बच्चे थे, है ना? यहाँ पर टाइम चेंज के लिए, हाँ बिल्कुल मैं देखूंगा इसके लिए। तो करीब हमें देखिए 2 घंटे टोटल लगे हैं। 5:30 पे मैं आया था, 5:35-36 पे हमने शुरुआत की थी, तो 2 घंटे में इतनी सारी चीजें हमने की हैं, ठीक है? अच्छा नीलोफर के 5 क्वेश्चन चले गए। हाँ ये थोड़ा सा मेंटी इस टाइम पे दिक्कत करता है, और मेंटी में चलिए मैं देखता हूँ इसको। लेकिन फिजिक्स की टाइमिंग जब इस टाइम पे होती है तो उसमें भी दिक्कत होती है। अच्छा बेटा पहले मेंटी कराने से या बाद में कराने से, चलो मैं देखता हूँ इसका कोई ना कोई सलूशन निकलेगा, ठीक है? तो कल का जो प्लान है मैं बताऊंगा थोड़ी देर में आपको, है ना? 435 बेटा टोटल बच्चे थे जिन्होंने मेंटी ज्वाइन किया था, है ना? एक्टिवली आंसर कर रहे थे शुरुआत में 250 बच्चे, फिर 200, फिर मेंटी की दिक्कत थोड़ी सी बढ़ती गई, है ना? हाँ ठीक है बेटा मैं देख लेता हूँ सरिता, ठीक है? हाँ मैम मेंटी नहीं कराती तो उनसे एक्सचेंज कर सकते, सोनाली कह रही उनके लिए टाइमिंग कर सकते हैं, ठीक है? एनटीए वाला पेपर बेटा अभी अपलोड हो जाएगा थोड़ी देर में, ठीक है? तो सेशन को लाइक करिए आप सभी बच्चे, ठीक है? और मैं कुछ प्लानिंग करता हूँ बेटा, मैं भी थोड़ा सा सेंटी हो गया हूँ, क्योंकि इतनी बार अगर दिक्कत करेगा तो फिर इससे बड़ी प्रॉब्लम होती है ना। रिकग्निशन साइट बेटा मोहम्मद इमरान, 8 रिकग्निशन साइट पाई जाती हैं, है ना? आप फिगर जाके देखिएगा, उसमें 8 रिकग्निशन साइट आपको मिलेंगी, ठीक है? हाँ ऐसे 2 घंटे तो ठीक है, कि 2 घंटे में एक साथ जितनी चीजें करना चाहते हैं सारी चीजें हम 2 घंटे में आपको करा दें, है ना? एनटीए का फिजिक्स और केमिस्ट्री का भी मैंने सर को बोल दिया है ना, वो लोग करेंगे। हाँ ये मेंटी बार बार ऐसे करेगा तो टाइम तो वेस्ट होता ही है पारुल, मैं समझ रहा हूँ बेटा, मैं खुद समझ रहा हूँ, है ना? क्योंकि मैं भी
कभी आप ही की तरह स्टूडेंट रहा हूँ, ठीक, परेशान मत होइए, ठीक है। संडे को 1000 क्वेश्चन, अनमोल कह रहे हैं, अच्छा ठीक है, चलो मैं करवाता हूँ बेटा, ठीक है। तो अच्छा अभिषेक करें, सर मैं हजरतगंज में घूम रहा हूँ। बेटा घूमो मत, घर पे रहो इस समय, ठीक है। तो चलो कल मिलते हैं बेटा, मैं टाइमिंग के लिए आज आपको बता दूंगा कि हम कल क्या करेंगे, ठीक है। तो चलो कल मिलते हैं, केयर, ठीक है। और पढ़ाई करिएगा, अब जाके कहीं और मोटिवेशन मत लीजिएगा, क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका है, ठीक है। अब जाके रिवाइज करी चीज़ों को, क्रैश कोर्स अभी मिल जाएगा, मैराथन में करा दूंगा बेटा, ठीक, परेशान मत होइए, ठीक। बाय बाय, टेक केयर, लव यू।